हंसते बसते रोशन रस्ते तारीकी में डूब गए, सो जाओ अब तुम भी यारो। नंबर 10, तुम सबकी नींद खराब करते हो, मेरी बात नहीं सुनी। अगर तुमने यही रवैया रखा तो मैं डॉक्टर साहब से कहकर तुम्हें बगैर इलाज के छुट्टी दिला दूंगी। हाँ, खुदा के लिए सिस्टर, यह जुल्म ना करना। बाहर महंगाई बहुत ज्यादा है, आटा बहुत महंगा है और इस बार दाखिला बड़ी मुश्किल से मिला है। तो फिर यारों को सोने दो और खुद भी सो जा। आज नंबर, क्या हाल है तुम्हारा? बहुत बुरा नर्स जी। नर्स जी, ऐ चार दाने तुसी ले लो तो मैंने दो नींदर दी गोलियां होर दे दे वास्ता रब जाए। दो तो तुम खा चुके हो, इससे ज्यादा डॉक्टर साहब ने नहीं कहा। जे गोलियां नहीं देंदी भैन मेरी है तो लोरी दे के सानू सुहा दे। बच्चा बनने का बहुत शौक है बाबा जी। मेरा तो मेरी बीमारी तो डॉक्टर समझ नहीं सके। मैं तो 10 साल खाधी जफीन, 12 साल पीता जे चंडू, माजे बलाकी वाले ने मैं बचपन ही लाती थी, बड़ा प्यार करता थी। क्या फजूल बातें करते हो बड़े मियां, चुप कर और सो जा। अब भैन मेरी वास्ता ही रब दे गोलियां नहीं रेंदी ते चूड़ा काल के दो राकट ही मंगा दे। ये अस्पताल है, कोई चंडू खाना नहीं। तुम्हें नींद नहीं आती तो खुदा को याद करो, ये तुम्हारी उम्र इबादत की है, शरारत की नहीं, समझे? क्या बदतमीजी है, अस्पताल को मछली मंडी बना रखा है। मितारा, ये 7 नंबर की बिल्ली है, शाम को सबकी चीजें खा जाती है। खबरदार, जो मेरा किसी ने नाम लिया मैं तुम सबकी एक ही आंख निकालूंगा। इसी की आंख क्या निकालोगे? अगर तुम इसी तरह सारी रात जागते रहे तो तुम्हारी दूसरी आंख भी खत्म हो जाएगी। मिसाबा, दरअसल ये मेरी बिल्ली महबूबा की निशानी है, अगर वो मेरी खबर लेने आ गई तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। मिसाबा, खुदा की कसम मैं खुद भूखा रहता हूँ और सारा सरकारी राशन इसे खिला देता हूँ। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। गुजारिश की थी, तुझे गौर ही नहीं किया। मैं जागदे जागदे मर जाऊंगा, गोलियां मंगे दे मेरी बहन। चुप करके आंखें बंद करके सो जाओ, अगर आंखें बंद नहीं कर सकते तो मुंह को बंद कर लो। देखो नंबर 9 किस मजे से सो रहा है। ओ मरीज ते सो जाए कभी नहीं हो सकता, ओ किते सुत्या ना सो गया होवे। देखी भैन मेरी, ओदा तो बड़े चिरां तो कंबल भी नहीं लिया, देखो तो सही। कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो हैं तैयार बैठे। आ गए हो, चलो अच्छा है, इसके अरमानों की लाश भी ले जाओ। बेचारा लावारिस था, अब कम से कम जमीन इसकी वारिस तो बन जाएगी। भाई जरा रुकना, इसकी अमानत है मेरे पास, ये 2 रुपए इसकी अमानत मेरे पास थी, किसी को खुदा के नाम पर दे देना, जहां तेरी मुश्किलें हल हो गई। मरने वालों पे सर हैरत क्या, मौत आसान हो गई होगी। नर्स, इस वक्त किसी मरीज का इंतजाम ना बना। हाँ, तुमने ये तो बताया नहीं कि तुमने अपनी वालिदा से दिल की बात छेड़ी या नहीं। अभी तो मैं फैसला नहीं कर सकी डॉक्टर साहब कि मैं आपके काबिल में हूँ कि नहीं। मुझ पर एतमाद नहीं क्या? क्यों नहीं,
सिर्फ अपने आप पर भरोसा नहीं। तुम्हारी बहन बहुत शाइनिंग है, मेरा ख्याल है इस साल भी वजीफा लेगी। जी हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि उसे हॉस्टल में दाखिल करा दूँ। गुड, वेरी गुड। हाँ, मेरा स्टेथोस्कोप तुम्हारी मेज पर रह गया, मुझे दे जाए। यस सर। कल से तुम्हारी ड्यूटी सुबह से है। क्यों? इसलिए कि मेरी भी है। मेरा मतलब है कल शाम से हम फ्री हैं। जी। टीना, तुझे पढ़ते हुए देखकर मुझे कितनी खुशी होगी। इस माहौल में खाक पड़ना है, ये तो मेरी हिम्मत है कि रातें जाग जाकर इम्तिहान में अव्वल आते। चंद महीने तक मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, फिर मैं तुझे हॉस्टल में करवा दूंगी। अरे, ये तमाम बच्चे पढ़ते पढ़ते हो गए। अरे, सब मैंने तभी तक कटोरी नहीं पढ़ी। सहेली आएगी, रात काफी हो गई है। सुनो, खाना खाकर मम्मी के पास ही सो रहो। Thank you.
को अंदर आए हुए देर हो गई, उनको तलाश करता हुआ यहाँ पहुंच गया। तुम अपनी इस हरकत पर गिरफ्तार भी हो सकते, इसकी क्लब में हमारी इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता। मानता हूँ तमाम गुनाहों के हुकूक आपके पास महफूज, हम तो अपने जमानती तलाश करने के लिए पैदा होते। बकवास, पियर की थोड़ी हुई बोतल के 6 रुपए दे दो और चले जाओ यहाँ। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? ये नामुमकिन। तुम क्लब के मालिक हो और तुमने जो बहादुरी दिखाई है, अगर मुझे घर जाने की जल्दी ना होती और माँ का डर ना होता तो मैं तुम्हारे क्लब का सारा फर्नीचर तोड़ देता। खैर कोई बात नहीं, सर चढ़ी। अजी आप भी अजीब आदमी है, अगर आपने आकर गाना सुनना था तो मुझे फारिग कर दिया होता। चलो हम तुम्हें खुश कर देंगे, हमें तुम वापस दे। अजय आप क्या खुश कर देंगे, इतनी देर हो गई है, मेरी माँ मुझे रोटी नहीं देगी और साथ जूते भी मारेगी। आप कोई और टैक्सी ले लीजिए, मेरा हिसाब कर दीजिए। इशा की नमाज के बाद मेरी माँ मुझे माफ नहीं करती। ये लो। शुक्रिया। बॉस, वो ही टैक्सी ड्राइवर है जिसने एयरपोर्ट में मुझे अपनी टैक्सी से उतार दिया। आज के बाद ये क्लब के बाहर खड़ा ना हो, वैसे भी इसकी निगरानी करनी चाहिए, इसका हमारे मुतलिक जानना खतरा हो सकता है। या अल्लाह, किसी को ही भरोसा देता नहीं, अगर देता है तो उसे गैरतमंद ना बना, उसे दर्द भरा दिल ना दे, उसे लोगों के दुखों पर झगड़ने की आदत ना डाल। सारे दूध की बालाई मुझे, और ये ले सारे दिन की कमाई है तुझे, इसमें पता क्या 6 रुपए कम, मुझसे बियर की एक बोतल टूट गई। किसकी बोतल? और 6 रुपया की बोतल कौन सी आती है? अरे माँ, नशे पानी की बोतल होती है। क्या बकता है? लो वो सुन लो। तुम तो यूं तफ्तीश करती हो माँ, जैसे तुम्हें शराब की भूख की बहुत पहचान। ना आज घर सवारियां लेकर गया था, वेटिंग करना पड़ी, सब्र करना पड़ा, मजबूरी से हाथ पांव मार रहा था निकलने के लिए, बोतल टूट गई। क्या फायदा, एक बोतल ना टूटते तो 2 दिन रोटी खा सकते थे। अरे माँ शुक्र करो मैंने बोतल तोड़ी है, किसी की कमर नहीं तोड़ दी। तुम्हारी इनसे क्या दुश्मनी है? अरे अरे हरकतमंद आदमी की उनसे दुश्मनी है, स्मगलर है सुसरे, और बताए होटल चलाते हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ कैसा गंदा कारोबार करते। तोबा 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 तोबा, अगर मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं होता तो मैं 6 रुपए बचा लेता, मगर सारी रात हवालात में रहता। मां नहीं बेटा, पैसा तो हाथ की मैल है, जहन्नुम में गए 6 रुपए। एक बात कहूं, जो सवारियां नाचों में जाती हैं तुम उन्हें दिखाया कि आज घरों और शराब खानों में जाने वाली सवारियां ही सही पैसे देती हैं। नेक और परहेजगार लोग
एक तो मीटर से कम पैसे देता हूँ, चक 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 अलहदा लगाए रखते। बाद औकात तो ये जी चाहता है माँ कि ये माचिस जला जला कर मीटर पड़ने वाली सवारियों को पहिए से बांध दो और गाड़ी राजी के पुल पे ले जाकर नीचे रखकर दे दो। शाबाश, आफरीन है तुझ पर यूसुफ, खूब असर कबूल किया है माँ की दुआओं का। मैं इस घर को आबाद करने के ख्वाब देख रही हूँ और तू इसे वीरान करना चाहता है। खुदा के लिए यूसुफ, दुनिया में कोई कुछ भी करता रहे, तू अपनी आंखें बंद रखा कर। आंखें बंद रखा कर? माँ मैं गदागर नहीं हूँ, मजदूर हूँ, मजदूर जिसने तुझ जैसी गैरतमंद माँ का दूध पिया है। दूध पिलाते वक्त हर माँ अपने बेटे को गैरतमंद ही देखना चाहती है, लेकिन एक वक्त आता है वो उसे सिर्फ देखना चाहती है और जिंदा देखना चाहती है। चाहे वो बेगैरती हो गया। मैं तुम्हारी इस बात का जवाब नहीं दूंगी, इसलिए अगर माओ की बातें बेटों की समझ में आने लगती, ना किसी आंख की रोशनी बुझती और ना ही किसी का आंगन वीरान होता। लेकिन मैं भी किस वक्त में कैसी बातें ले बैठी। चल चल तू धो ले, मैं अभी खाना लेकर आती। चल क्या टैक्सी ड्राइवरों की तरह आईना देखने की आदत पड़ गई है? क्या माओ की तरह बार बार टोकने की आदत पड़ गई है? जब माँ हूँ तो आदत भी पड़ेगी, जब टैक्सी ड्राइवर हूँ तो मेरी भी आदत पड़ेगी। माँ वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। लाश ही लगती है, कोई छोड़ दे ही नहीं आया इसे तो। ये भुखिया का पेंड ही पै गई, ये किसी सर्कस से तो नहीं आया लगता है। सलाम साहब जी। सलाम साहब जी। और तुसी को कुश्तियां ढा के आए हो, चल 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 काम कर अपना। गरीब आवाम को सलाम करके क्या लोगे, अपनी तनख्वाह में गुजर करने की आदत डालो अगरचे थोड़ी है। जाओ मेरा बच्चा जाओ। ये कौन सा राग गा रहे है? राग तकलीफ है। कौन हो, कहाँ से आए हो? जहाँ से सारी दुनिया आई मैं कहाँ हूँ? तुम अस्पताल में हो? ये अस्पताल है, ये जानवरों का अस्पताल तो नहीं है। ये क्या चीज है? ये है देखने की चीज, इसे बार बार देख। तुम कौन हो? मैं? हाँ। शायर। ओए, आज अस्पताल में मुशायरा है। ये देखो मेरी तरफ किस तरह देख रहा है, इसका करेक्टर कैसा है। तसल्ली बख्श है, छह महीने से मेरा पड़ोसी है। मुझे मशकूक लगता है। तुझे हुआ क्या, किसी सर्कस से आया है? लेट जा, लेट जा। कोई सिगरेट है तेरे पास? नहीं। ओए, ओए डैमरी आराम ना, लेट है नौ नंबर से लेटने ही थे। इसे भुखिया नंगिया का काम नहीं है, तू पुटा खा। ये जगह भी सख्ती है सरकार। पारा है जी पलंग। यहाँ तो कोई पैसे वाली आसामी जिंदगी गुजार सकता। कल मोया नहीं है थे एक बंदा, परसों भी मर गया थी। ये कौन सी जबान बोलता है गालड़? आए, 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 आए। मुझे याद पड़ता है पिछले माह भी आपका कोई ऑपरेशन हुआ था। आपको बिल्कुल ठीक पड़ता है, पिछले माह भी हुआ था, उससे पिछले माह भी हुआ था और उससे पिछले माह भी हुआ था। सिस्टर पहले मेरा हर्नियों का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद गुजरांवाला वार्ड में मैंने एक गुर्दा निकलवा दिया था। और अब मुझे अपेंडिक्स का पेन हो रहा है और इंशाल्लाह अगले महीने में कलेजा निकलवाने के लिए आऊंगा। खुदा के लिए एक छुरी लाए, मेरा पेट फाड़ ले और इसमें से सब कुछ निकाल के इस बुड्ढे भेड़िया के आगे डाल दे। ये बचपन से भूखा मालूम होता है। इंजेक्शन ले लो, आराम से सो जाओ। खुदा के लिए नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। मेरे जिस्म पे जितने मसाम हैं उतने इंजेक्शन लग चुके हैं मुझे। अब तो खुदा के लिए आए हथेली में लगा दो। भाई, आपने अंगूठी बहुत पहन रखी है। इसलिए कि मैं डांस डायरेक्टर हूँ, कोई नगीने बेचने वाला नहीं हूँ। क्या करूँ,
करने लगे हो मुझे, क्या करने लगे हो मुझे, क्या एक बात तो बताओ सलीमा। हाँ हाँ पूछो, पहले मेरी कसम खाओ कि सच बताओ। तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती। डॉक्टर ग्राम मुझे देखकर बात बदल गया और तुम्हारी बहन की जहानत की तारीफ शुरू कर दी थी, मगर जो वो बात बदल गया था, वो बात क्या थी? तुम पूछ कर क्या करोगी? करूंगी क्या, फिर वादा करती हूँ कि ना जलूंगी ना किसी और को बताऊंगी। तो बस पूछने की क्या जरूरत है, समझदार हो तुम। तुम्हें यकीन है कि वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है? हाँ मुझे यकीन है, इसलिए कि मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ। मगर वो शादी करेगा तुमसे? क्यों नहीं, वो तो कई बार कह चुके हैं कि मैं अपनी अम्मी से बात करूँ। अच्छा, कभी तन्हाई भी मिली हो? हाँ हाँ कई बार मिल चुके हैं और मिलते भी रहते हैं। कोई फिल्म भी इकट्ठे देखी है? अभी तक तो नहीं। देखना मिला। क्यों? इसलिए कि गैलरी में देखोगी तो लोग देख रहे होंगे और बॉक्स में देखोगे तो कोई देखने वाला ना होगा, समझी? मुझे नसीहत कर रही हो या तजुर्बा बता रही हो? नसीहत करने का हक भी तो तजुर्बेकार को होता है, इसलिए तो कह रही हूँ कि मोहब्बत में इंसान की हैसियत का बड़ा दखल होता है। अरे पगली, प्यार में कभी ऊंच नीच नहीं देखी जाती। तुम आज यहाँ फिर आ गए, हालांकि कल तुमने कहा था कि क्लब के बाहर मत खड़े होना। अपने मालिक को भेजो भाई, तुम गरीब आदमी हो और गरीब गरीब से लड़ता अच्छा नहीं लगता। हम गरीब नहीं हैं, हम नौकर हैं। नौकर का काम है मालिक के इशारों पर चलना। अच्छा नौकर साहब, अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ से नहीं जाता इसलिए कि मेरे भी ये कारोबार का मामला है, तो तुम क्या कर लो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरा आपका मदद करने का है, जिसमें भी इतनी करने का। ए मियाँ गंजे भाई, एक बात सुन, मैं तो चला ही जाऊंगा, ये क्या हो रहा है? तुम पराए मामले में टांग मत लाओ, ये हमारे बॉस का कारोबार है। वह बड़ा ही ठीक है। कोई चार पांच लड़कियां थी, वैसे मुझे अच्छा आदमी नहीं लगता है, आप यकीन कीजिए, बहुत वाहियात आदमी। और बाकी आपने तीमारदारी करनी है, एक मरीज ना सही दूसरा सही। आप मेरी खबर ले लें, वैसे आपकी शादी हो चुकी है? मैं आपसे वाकिफ नहीं और आप खामखा बेतकल्लुफ में जा रहे हैं। हाँ ये बेतकल्लुफ होना तो मेरी आदत है, इसलिए कि मैं डांस डायरेक्टर। अच्छा आप डांस मास्टर हैं? आप दुनिया के किसी कोने में जाके मेरे मुतल्लिक पूछिए, लोग आपको बताएंगे कि मैं क्या चीज हूँ। जब मैं पार्टीशन से पहले बॉम्बे में था
तो लोग मुझे कथाकली गुरुदेव कहा करते थे, लेकिन लाहौर में आने के बाद लोग मुझे नफरत से नाचा कहते हैं। और फन की कदर ना देखते हुए अब यकीन कीजिए कि मुझे हर महीने कोई ना कोई दौरा पड़ता है और मैं अस्पताल में आके गिर जाता हूँ। पिछले महीने की बात है कि मैंने एक गुर्दा निकलवा दिया, उससे पहले मेरा हरनियों का ऑपरेशन हुआ था, उससे पहले यानी मैंने तिली निकलवा दी। आप यकीन कीजिए कि इस सारे वजूद में एक सिर्फ दिल रह गया जो प्यार की ताल पे धक धक करता है। ताक तनक धन ताक तनक धन ताक तनक धन ताक। आप तो बड़े दिलचस्प आदमी हैं, आप मुझे नाच सिखा देंगे? एक शर्त कि जब तक मैं अस्पताल में हूँ आप मुझे हर रोज देखने आया करेंगे। लो बेटा अंगूर खा लो। ये आपका बेटा है? क्या तकलीफ है इसे? तकलीफ इसे नहीं, मुझे गोली इसे लगी है, कलेजा मेरा फट गया है। गोली कैसे लगी तुझे? लड़ाई में लगी है, बावर्ची खाने में नहीं लगी मुझे। लेकिन आपके सिलसिले में मुझसे शायर साहब हमदर्दी जता रहे हैं। याद रखिए, मैंने अपने बाजुओं के सिवा किसी पे कभी भरोसा नहीं किया, करना भी नहीं चाहते। लेकिन मेरे गले क्यों पड़ता है यार? मैंने तो यूं ही हमदर्दी के तौर पर पूछ लिया। ये बात मुझे बड़ी बुरी लगती है मां, पहले हमदर्दी करते हैं बाद में कुछ। देखो शायर मियां, तुम अपने पलंग पे जाके लेट जाओ, मेरा भाई तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, समझे? तुम अस्पताल में जिंदगी गुजारने आए हो और मैं दोबारा मौत खरीदने आया हूँ। यहाँ तार जमाई से यहाँ से कह दे चला जाए, और तू भी जा। कहाँ चली जाऊँ, किसके पास जाऊँ? घर में कौन है? खाली घर मंजूस होता है, वहाँ चली जाए, इसीलिए तो कह रहा हूँ। नंबर 7 ये गोलियां खा ली। अरे मैम साहब, हम एक गोली खा के यहाँ पहुँच गए, तुम दो गोलियां मुझे खिला रही हो यहाँ, मैं नहीं खाता, जाओ। इसके लिए मैम साहब एक बड़ा सा पिंजरा बनवा ले, नया नया आया है। आदि चोर इसे माफ कर, कोई बात नहीं है ना, हम लोग गुस्से में नहीं आए, खा लो ना गोली। मैं एक शर्ट पे खाऊंगा मेरे साहब, मेरी माँ से कहो यहाँ से चली जाए। तो मुझे अच्छा नहीं लगता हमेशा यहाँ रहती है। जय माँ जी। साहब मुझे ये दवाई जरूर खिलानी। मैंने तुम्हारा कहना माना है, तुम मेरा कहना मान लो। चलो ठीक है। बात पूछूं? पूछो। मैंने तुम्हें कहीं देखा? यही देखा होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पे जो सूरतें नजर आती हैं वो तो बाद में नजर भी नहीं आती। काम क्या करते हो? मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। तो फिर कभी भूले से तुम्हारी टैक्सी में? नहीं 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 नहीं, और देखा। अच्छा तुम याद करो कहाँ देखा है, मैं अभी आई हूँ। ताजों को देना है कि है फुर्सत, तभी ढूंढता है गोर में कारूं कदा, मिलता नहीं। ये डिब्बा रख लो। सुनो, जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो वो चीज तुम मुझसे मांग लिया करो। जब तुम पैसे मांगते हो मुझे बड़ी शर्म आती है। अपनी खुशी से कौन रुस्वा होना चाहता है सिस्टर, और तुझसे पैसे मांगकर जो शर्मिंदगी मुझे उठानी पड़ती है उससे कहीं ज्यादा राहत मुझे उस वक्त मिलती है जब मैं ये अस्पताल के छोटे स्टाफ में दो दो चार चार अंक तकसीम करता हूँ। गरीब आदमी को इज्जत करवाने का शौक हो जाए तो उसे कहीं तो जलील होना पड़ता है, और फिर आजकल तो जिसकी हथेली पर दो पैसे रख दो वही हाथ सलाम के लिए। सलाम। अच्छा हा? आज तो फिर ये बिस्किट ही बांट कर इज्जत करा लो मेरे शाही पति। सिस्टर सखी लुटेरा कहो तो कैसी बात? नॉट बैड। क्यों?
मास्टर, क्या बात है, आज कोई लड़की तुमसे मिलने नहीं आई? जी हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया उनको। मेरे जहन में दो सूरतें आती हैं सिस्टर, या तो वो मसरूफ हो गई हैं, या फिर आहद मलिक ने उन्हें कन्विंस नहीं। ये मलिक साहब कौन है? मेरा बड़ा जबरदस्त बॉस, तौबा तौबा तौबा, जब भी तनख्वाह का दिन आता कोई ना कोई वारदात कर देता। और लड़कियां कौन है? मैंने उन सबको अपनी शागिर्दी में कबूल कर रखा है। मगर तुम तो उनकी तरफ बड़ी रोमांटिक नजरों से देखते हो, शागिर्दों की तरफ ऐसे नहीं देखना चाहिए। मैं उनका उस्ताद हूँ सिस्टर, और मेरा फर्ज है कि उनको आंखों से बातें करना सिखाऊं। बखुदा अगर आप चाहें तो मैं आपको आंखों का ऐसा अंदाज, ऐसी चीज बता दूं, खुदा की कसम कि आप जिस मरीज की तरफ भरपूर आंखों से देखें, या तो वो तड़प के मर जाएगा, या फिर चुपके से कंबल उठा के सीधा घर चला जाएगा। लेकिन एक शर्त पे बताऊंगा, दोनों सूरतों में ये बेड खाली हो सकता है। एक शर्त पे कि सबसे पहली नजर आप इस नारियल पे डालेंगे, देखिए किस तरह सो रहा खबीज। ये तुम्हारा बुजुर्ग है, बुजुर्गों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे? सिस्टर, बुजुर्गों वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। चला सलीमा बाजी आएगी तो गाना सुन लेना, मैं तो ऐसे दिल बहला रही हूँ। अम्मी बाजी गाना नहीं सुनाती। अरे मुर्दारो, सो क्यों नहीं जाती? ये कोई गाना सुनने का वक्त है? गाने का कोई वक्त होता है? तुम्हें गाना क्यों नहीं सुनाती सीमा? तुम ही सुना दो ना बाजी, मैं तो कहानी सुना सकती हूँ। चलो कहानी सुना दो, लेकिन तरह गा। हाँ हाँ ठीक है, तुम कहानी गाओ, मैं साथ मैंडोलिन बजाती। सुनो कहानी मेरी जुबानी, एक लड़की थी बड़ी गरीब। सुनो कहानी मेरी जुबानी, एक लड़की थी बड़ी गरीब। एक
बाजी एक बात तो बताओ, ये शहजादा कौन है जिसे गरीब लड़की से प्यार हो गया है? पहले तुम बताओ वो हालात कौन से हैं जो बदल चुके हैं, जो इंसान को एक दूसरे के औकात देखने पर मजबूर करते हैं। चांद और चकोर का जमाना गुजर चुका है बाजी, अब तो प्यार भी हैसियत देकर किया जाता है। मुझे तुम्हारे ख्यालात से इत्तेफाक नहीं है सीमा। तजुर्बा होगा तब मुझे सच्चा समझोगी। खैर छोड़ो इन बातों को। बाजी एक बात तो बताओ, तुम्हारे ख्याल में अस्पताल में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है? डॉक्टर इकराम। मेरा भी यही ख्याल है, इतना अच्छा पढ़ाता है कि जी चाहता है उसका पीरियड खत्म ही ना हो। उससे ज्यादा खुश अखलाक कोई डॉक्टर नहीं। शागिर्दों के मुंह से सवाल छीन लेता है, मरीजों की आंखों में रोशनी आ जाती है। वो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। सच बाजी मुझे उम्मीद नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूं? इंसान की हैसियत से कैसा है? इतना अच्छा, इतना अच्छा। कोई ऐप तो होगा? नहीं सीमा, तुम्हें फक्र करना चाहिए कि वो तुम्हें पढ़ाता है। ये दोनों मिलकर किसकी तारीफें कर रही हो? चलो इसी बहाने सुलूक तो हुआ तुम्हारा। अच्छा अब बातें छोड़ो और उसका खाना खा लो। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मुझे आज के लेक्चर में एक बात समझ नहीं आई। लेकिन पीरियड तो खत्म हो चुका है। आपको जल्दी है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। दिल के फंक्शन में आपने ये नहीं बताया कि जज्बात दिल के कौन से हिस्से में पैदा होते हैं? जज्बात जहन की पैदावार है, दिल की नहीं। तो ये शायर लोग दिल पे क्यों इल्जाम देते हैं? ये तो किसी शायर से पूछो, मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। आप जवाब नहीं दे सकते? नहीं। तो इसका मतलब है कि आपके दिल में जज्बात अभी पैदा ही नहीं हुए। सीमा मेरा और अपना वक्त जाया न करो। सॉरी डॉक्टर साहब, आप चाहते हैं कि आपके शागिर्द ज़हन बंद रखें, मगर इतना तो बता दें कि अगर किसी को देखकर दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, तो इसका इलाज? इलाज यही है कि उसकी तरफ देखा ही न जाए। आंखें खुद ब खुद उठ जाएं तो? आंखों पे एतबार होना चाहिए। और ये भी ना हो सके तो? तो फिर खानदान की बदनामी और अपनी तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जरूरी तो नहीं? ये भी जरूरी नहीं कि तुम मुझसे गैर जरूरी बातें पूछो। गैर होंगी सुनने वाले के लिए, मगर मैं सुनने वाले को गैर नहीं समझती। सीमा कुदरत के बनाए हुए फासलों को इंसान अबूर नहीं कर सकता। इंसान सब कुछ कर सकता है, इंसान को संगे मील नहीं कि एक ही जगह पर खड़ा रहे। वैसे आप डॉक्टर बन चुके हैं और मैं इसी साल बनने वाली हूँ। मेरी MBBS की डिग्री ये फासला खत्म कर देगी। तुम्हारी इन बातों से उस बेबाक जवानी की बू आ रही है जो अक्सर भटक जाया करती है। वो जवानी ही क्या जो बेबाक ना हो, और भटक इसलिए नहीं सकती कि आप भी मुअज्जज़ हैं और आपका पेशा भी। मैं तुम्हारी शिकायत सलीमा से करूंगा। सलीमा बेचारी एक नर्स है, और डॉक्टर नर्स की शिकायत सुन सकता है कर नहीं सकता। वैसे भी मुझे अपनी तालीम और आपकी दूरंदेशी पर मुकम्मल एतमाद है। सीमा मेरी सीमा कहो डॉक्टर। मिस साहिबा मुझे कोई इतना बड़ा इंजेक्शन लगा दो कि मैं एक दिन में ठीक हो जाऊं। घर से उदास हो गए हो, क्यों नहीं अपने अम्मी को बुला लेते? उदास नहीं हो गया, मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं ताकि उन लोगों से बदला लूं जिन्होंने मुझे गोली मारी थी। बदला क्यों लेना चाहते हो? बदला क्यों लेना चाहता हूं? बस बदला लेना चाहता हूं। मैं कोई बुजदिल आदमी हूं तो चुप रहो? जिंदगी बेकीमती चीज है मिस्टर, जख्म खाकर भी तुम्हें समझ नहीं आई। खुदा ने तुम्हें बचा लिया तो शराफत की जिंदगी क्यों नहीं गुजारते? अरे शराफत की जिंदगी भेड़ बकरियां गुजारती हैं, मौत ने एक दिन आना है, क्यों ना उसे खुद तलाश कर लिया जाए। अपना नहीं तो अपनी माँ का ख्याल करो, तुम चाहते हो कि वो तमाम उम्र रोती रहे? अरे माओ के नसीब में तो रोना ही होता है मिस साहब, अब मेरे सर को पीटती है, मरने के बाद मुझे रो लेगी, फर्क क्या पड़े? अरे बेवकूफ, मरना ही है तो किसी बड़े मकसद के लिए जान दो। यार तुम तो बड़े ढीठ आदमी हो, जबरदस्ती दोस्ती पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। दोस्ती वोस्ती पैदा करने की कोशिश नहीं करता हूँ, सिर्फ तुम्हें अकलमंद बनाने की नाकाम सी कोशिश। अकलमंद? अरे मेरी माँ मुझे अकलमंद नहीं बना सकी, तुम क्या बनाओगे? तुम तो खुद मरीज हो। तुम्हारी माँ ही तुम्हें इस हालत में पहुंचाने की जिम्मेदार है। जाती दुश्मनियों के लिए मरने मारने को तैयार रहते? अरे मरना है तो किसी बड़े मकसद के लिए मरो। बड़ा मकसद?
वो क्या होता है? अपने वतन के लिए मरो, अपनी कौम के लिए मरो, मुल्क के लिए मरो। यार तुम बातें अच्छी करते हो लेकिन मुझे आदमी बड़े ही बेवकूफ मालूम होते हो जो मुझसे मखमाजी करो। जाओ अपना काम करो वहां जाके। अगर ना जाऊं तो मैं तुम्हें उठा के तुम्हारे पलंग पे फेंक दूंगा। ना जाऊं तो बेटे। तो फिर आके मैं लस्सी लाई हूँ तुम्हारे लिए। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। तू तो ये लस्सी पी ले, मैं चली जाऊँ। छोड़ दे, मैं पी लूंगा। तू जा, जा यार। बेटे सर ना दबा दे। मां तू चली जा, नहीं मैं हाथ हिलाकर टांगे तोड़ दूंगा। चली जा, मुंह ढाक, गुनाह होगा। कभी सारा सुंदर अंग हंसे जब अंग हंसे हंस दे गजरा। मास्टर तर्ज बना ली, हंस दे। ये तेरी जिंदगी की आखिरी तर्ज है। स्ट्रेचर वाले आ रहे हैं। नाल नंबर कहाँ गए? कभी वो आ गए हैं, सिग्नेचर लाए हैं तेरे लिए, बड़ा खूबसूरत। अब उस पर तुझे पिटाएंगे, ले जाएंगे, तेरा पेट फाड़ेंगे। आए आए शायद तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम दोस्त कम और मुखबर ज्यादा लगे हो। तुमने बहुत ज्यादती किया उनको बता के। देख दुनिया दारुल मकाफात है, जहाँ जो बीजोगे वही काटना पड़ेगा। तुमने सारी जिंदगी हराम खाया है, अब तेरा पेट फाड़ेंगे हलाल के दुश्मन। या अच्छा है। हाँ? देख हाँ? तूने मुझे बताया था ना कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ मेरा तो। यार सुन, अगर मैं मर गया ना तो सैकड़ों आवारा लड़कियां बेरोजगार हो जाएंगी। और अगर तू मर गया, खुदा के लिए मेरी जगह तू ऑपरेशन करवा ले। अगर तू मर गया तो तुझे तो कोई भी नहीं रोएगा, क्योंकि तेरा है ही कोई नहीं। रोए ना भी अहले नजर हाल पे मेरे, होना है अभी मुझको खराब और ज्यादा। चलो खैर, हमने तो मौत से कई दफा दोस्ती की, हाथ बढ़ाया, मौत ही बेवफा थी। तुझसे वफा करेगी आज तेरा नंबर है। जा खुदा के लिए, शायद शायद नौ नंबर बेड खाली हो जाए। तुझ जैसा कोई और हलाल का दुश्मन आ जाए। जा उठ कथा कली। हाँ चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली करेगा। देख शायद तू मेरा दोस्त है, अगर तू मुझे कहता है मैं चला जाता हूँ, लेकिन जाते हुए एक वसीयत करना चाहता हूँ। इरशाद। खुदा अगर तुझे तौफीक दे तो हर जुमेरात की जुमेरात मेरे मिजार पे मुजरा जरूर करवा। जरूर करवाऊंगा। चढ़ जा सूली, जा ले जाओ इस स्ट्रेचर को, हम पैदल जाएंगे। कभी आप हंसे कभी नैन हंसे, कभी नैनन बीच हंसे कजरा। उठा के कभी नाप हंसे कभी नैन हंसे, कभी नैनन बीच हंसे कजरा। कभी सारा सुंदर अंग हंसे जब अंग हंसे हंस दे गजरा। चढ़ जा सूली पा। नींद क्यों रात भर नहीं आती, क्या बात है माँ? सलमार बेबी स्कूल से नहीं आई। वो तो खैर आ ही जाएं, लेकिन तुम कॉलेज से आज इतनी जल्दी क्यों आ गई? आज प्रैक्टिकल नहीं था। क्या बात है सीमा, दो चार रोज से तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले दिखाई देते हैं। बस मैं ऐसे खुश हूँ। आखिर कोई वजह भी तो। माँ मुझे ख्वाब आ रहे हैं कि मैं इम्तिहान में पास हो गई हूँ। झूठ बोलती हो सीमा, जो बात है वो बता। अम्मी लड़की की शादी कितनी उम्र में होनी चाहिए? सीमा ये तुझे क्या हो गया है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरा मतलब है कि आप बाजी की शादी क्यों नहीं कर देती? बाजी की शादी करती तो तुझे पढ़ाएगा कौन, हमें खिलाएगा कौन? अगले साल मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, मैं आपको नहीं खिला सकती। जब बन जाओगी तो उसकी शादी भी कर दूंगी। उतनी देर को रिश्ता ही तलाश कर लेती। ये आज तुम कैसी बातें कर रही हो सीमा? घर की बातें घर ही में की जाती है अम्मी, तुम्हें माँ होकर बाजी का एहसास नहीं? तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही? नहीं अम्मी, मेरा मतलब है
बाजी आजकल बिल्कुल उदास रहने लगे हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं। ये तो मैं भी देख रही हूँ बेटी, लेकिन जो बात मुझे सलीमा ने बताई थी मुझे इस पर भी यकीन है। क्या बताया है बाजी ने? उसने कहा था कि एक डॉक्टर उसमें दिलचस्पी ले रहा है और शादी करने पर तैयार है। तुम भी चुप हो गई बेटी, तुम्हें भी यकीन नहीं आया? यकीन क्या आएगा अम्मी, या बाजी को गलतफहमी हुई है या फिर किसी डॉक्टर ने उसे झूठ बोला है। कहाँ एक काबिल डॉक्टर और कहाँ एक मामूली नर्स। मोहब्बत में इंसान की हैसियत को बड़ा दखल होता है अम्मी। कौन डॉक्टर है जो एक नर्स से शादी करके लोगों की तनकीद का शिकार हो? मेरा ख्याल है कोई डॉक्टर नर्स से शादी नहीं कर सकता। सलीमा, नर्स। क्या बात है डॉक्टर साहब? तुम तो छुट्टी कर दिए थे, वापस कैसे आ गए हो? मरीजों की देखभाल छुट्टी से ज्यादा जरूरी होती है। क्या बात है सलीमा, खैरियत तो है? मेरी खैरियत छोड़िए डॉक्टर साहब, ये बताइए आपने बुलाया किस लिए है? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये बताइए काम क्या है? कोई ड्यूटी जिम्मा करनी है, किसी मरीज के मुतालिक बात करनी है, या मेरी कोई शिकायत पहुंची है? क्योंकि अस्पताल में एक डॉक्टर का नर्स से प्राइवेट गुफ्तगू करना अच्छा नहीं लगता। सलीमा, कौन मैं नर्स? मैं सिर्फ एक नर्स हूँ। अगर तुम सिर्फ एक नर्स हो तो ये गुस्ताखी कर रही हो। अगर ये गुस्ताखी है तो सजा दे सकते हैं, चार्जशीट कर सकते हैं, तरक्की रोक सकते हैं डॉक्टर साहब। तुम दीवानी तो नहीं हो गई? दीवानी ही थी, मगर अब मैं होश में आ गई हूँ। अगर आप बुरा ना माने डॉक्टर साहब तो मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि मैंने एक मरीज को टीका लगाना है। कोई खास मरीज है क्या जो ड्यूटी आवर्स के बाद भी उसकी खिदमत के लिए आ गई हो? बहुत खास मरीज है। बेड नंबर क्या है उसका? नंबर 7। खूबसूरत जवान और बहादुर आदमी है। माशाल्लाह भी कहिए डॉक्टर साहब। किस हद तक हमदर्दी है उसके साथ? दिलचस्पी की हद तक। क्या अब मैं जा सकती हूँ डॉक्टर साहब? अगर तुम जाने का सोच ही चुकी हो तो तुम्हें कौन रोक सकता है? साहब, मैं अब टीका नहीं लगवाऊंगा। पहले जो तुमने टीका लगाया था मुझे अब तक चक्कर आ रहे हैं। बुजुर्गों ने ठीक कहा है, डॉक्टर गर्म दवाएं दे देते हैं। टीका नहीं लगाना, बुखार देखना है। मुंह खोला, थर्मामीटर लगा लो। लगा लो। माँ, अभी तक जाएंगे? तेरा सर चकरा रहा है ना, लाओ मैं दबा दूं। थर्मोमीटर मुंह में रखो। रख लूंगा मिस साहब, मेरी माँ से कहो बुरका उड़े और यहाँ से चली जाए। इतना गैर मर्द है, बिना झक आ जाते हैं। इसे समझाओ देखी, मेरी उम्र कोई पर्दा करने की है? किस जमाने की बातें करते हो? मैं किसी जमाने की बात करता हूँ? तुम अपने काम से काम रखो मिस साहब। आप चली जाए अम्मी, एक तो आपका इकलौता बेटा, दूसरा ये कि आपने इसको तालीम नहीं दिलवाई। कसूर भी आपका है, सब्र भी आपका। बस बोलना नहीं, थर्मोमीटर मुंह में रहने दो। तुम्हें अपनी माँ से ऐसा नहीं कहना चाहिए। कितने पुराने ख्यालात है तुम्हारे। 60 साल की बुढ़िया है बेचारी, जिसे 10 शेर का बुरखा पहना रखा है। नहीं मालूम, औरत बेपर्दा अच्छी नहीं लगती। पर्दा औरत की हया होता है। हमारी तरफ देखो, हम भी तो औरतें हैं। अगर हम भी पर्दा करने लग जाए तो तुम लोगों की खिदमत कौन करेगा? तुम्हारी बात और है, तुम तो मेरे साथ हो। हम भी किसी की बहन या बेटी है। नर्स होना कोई बेहाई की बात तो नहीं है। देखो देखो, मैं कुछ कह दूंगा फिर बुरा मान जाओगी। अगर इतने ही गैरतमंद हो तो एक बेपर्दा औरत से इलाज क्यों कराते हो? एक लड़की से अपने दुख की बातें क्यों करते हो? मैं तुम्हें वहाँ बुलाने जाता हूँ तो आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। अकेले ही मरते रहना। मुझे देखो मियां, समझाने की कोशिश मत करना।
अकल की बात मुझे अच्छी नहीं लगती, समझे? इसीलिए तो अकल तेरे करीब से नहीं। अरे अकल क्या, मेरे करीब से कोई अकलमंद आदमी गुजर जाए तो मैं उसका खून कर दूंगा। तुम भी अपने आपको अकलमंद समझते हो, जाओ आपके बिस्तर पर ले जाओ ना, मैं उठा के फेंक दूंगा। सुभान अल्लाह, मैं तो तुझे बहादुर आदमी समझता हूँ। तो क्या मैं बुद्धू हूँ? हूँ बहादुर। पर ये बता, औरतों से लड़ना कहाँ की बहादुरी है? कभी तू अपनी माँ से लड़ता है, आज ही तूने उस बेचारी नर्स को डांटा। अरे औरतें तो पहले ही काबिले रहम होती हैं, और ये नर्सें तो सबसे ज्यादा मजलूम। सबसे ज्यादा मजलूम है, क्या जुल्म होता है इनके ऊपर? सारा दिन सफेद वर्दियां पहन के फिरती है, महीने की तनख्वाह लेती है, काम क्या करती है? तनख्वाह तो इन्हें जिंदा रहने के लिए दी जाती है, इनकी खिदमत का सिला तो इन्हें खुदा ही दे सकता है। मैं तो यहाँ का मुस्तकिल बाशिंदा हूँ, मैंने तो ऐसे ऐसे खतरनाक मर्जों में मुब्तिला लोग देखे हैं कि जिनको उनके अपने बहन भाई छोड़ के चले गए और वापस नहीं आए, लेकिन इन बेचारियों ने उन्हें अपने बहन भाई समझा, उनके जख्मों का इलाज किया। तूने जालिम इनकी सफेद वर्दियां तो देख ली, इनके सीने में पलने वाले दुख और जख्म नहीं देखे। अरे तुम ड्यूटी से ऑफ होकर यहाँ बैठे हो? घर जाने को जी नहीं चाहता, मैं जानती हूँ तुम्हारा जी नहीं। तुम नहीं जानती ना? क्यों नहीं जानती? तुम्हारे जाने के बाद डॉक्टर राम से गुफ्तगू, उस वाकये को तुम्हें भूल चुकी हूँ नर्मा। तुम डॉक्टर से गुफ्तगू की बात करके मुझे खुश करना चाहती हो, मगर मैं एक मरीज की गुफ्तगू सुनकर मायूस हो चुकी हूँ। क्या किसी मरीज ने बदतमीजी की है? बदतमीजी नहीं की, एहसास दिलाए हैं जो आग सीमा की बातें सुनकर लगी थी, उस पर उस मरीज ने तेल छिड़क दिया है। मैं तो इस नतीजे पर पहुंची हूं कि डॉक्टर लोग हमें अपने से कमतर समझते हैं, और मरीज भी हमें अच्छी नजरों से नहीं देखते। ऑफिसरों के सामने हमारी हैसियत नौकरों की सी है, और आम लोग हमें औरत में तस्लीम नहीं करते। इन बातों को अगर दिल पर लगाने शुरू कर दिया तो इंसानों की खिदमत तो क्या, जिंदा रहने के काबिल भी ना रहोगे। जिंदा रहना अगर इतना ही तकलीफ दे है तो खुदा इस जिंदगी से जल्दी निजात दिलाए। इस दर्द के दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते, क्या लोग हैं मर क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं मर क्यों नहीं जाते। इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं। क्यों नहीं जाते, ये लोग
लोग भी क्या लोग हैं। इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं। नाम दे दो माँ, जिस तरह तुम्हारा नाम माँ है इसी तरह मेरा नाम बेटा। बड़ा दुख है तुम्हारे आने का। उस दुख से कम है जो जख्मी बेटों की माँ में होता है। क्या तुम्हारी माँ नहीं है? तुम मेरी माँ नहीं हो क्या? जीते रहो बेटा, क्या बीमारी है तुम्हें? कोई बीमारी नहीं माँ, चंद जख्म है जो अच्छे नहीं हो। बड़े डॉक्टर साहब को दिखाने थे। डॉक्टर को नजर नहीं आए? नजर नहीं आए। तुम्हारे बेटे के जख्म नजर आते हैं, उनका इलाज हो रहा है, लेकिन तुम्हारे सीने में जो जख्म है उनका इलाज तो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। दुनिया का कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो नजर न आने वाले जख्मों का इलाज कर सके? तुम ठीक कहते हो बेटा, मेरे सीने पर जो जख्म है वो मेरे अपने जिगर के टुकड़े को नजर नहीं आता। ये बेचारे डॉक्टर क्या समझेंगे? इन बेचारे डॉक्टरों की क्या बात करती हूँ, दुनिया भर के डॉक्टर इकट्ठे हो जाएं तो उस शख्स का इलाज नहीं कर सकते जो बाइज्जत जिंदा रहना चाहता हूँ और उसे भूख और बेकारी के पागल कुत्ते ने काट लिया। मालिक अब तो उठा। आना तो नहीं चाहिए था लेकिन मेरा फर्ज मुझे लाया है। ओह, मेरी बात का बुरा मानना भी तुम्हारा फर्ज है? चुप रहो और सो जाओ। देखो, जो वादा करो आइंदा मेरी बात का बुरा नहीं मानना। तुम भी अपनी जबान पर काबू रखो। साहब देखो, मैं जाहिल आदमी, बेवकूफ, जंगली, अगर तुम मेरी बात का बुरा मानती हो तो मैं यहाँ से चला जाता। अच्छा अच्छा, सो जाओ। मेरी बात सुनो। क्या गा रहा था ना ये? कौन? 10 नंबर वाला शायर। आप इसे गाने से नहीं रोक सकते? दिल जला है, कई बार कहा है लेकिन वो मानते ही नहीं। आए, आए, आए। देखो मिसा, ये मैंने अपने कानों में रुई रख ली थी,
वरना खुदा की कसम मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। आंसू? हाँ। तुम्हारे पास आंसू है? तो मैं इंसान नहीं हूँ? इंसान तो हलाकू और चंगेज खा भी थे। अच्छा, मुझे जालिम कहना चाहती हो? जालिम तो एक छोटा सा लफ्ज है, कोई इससे बड़ा लफ्ज हो तो वो भी तुम्हारे लिए इस्तेमाल हो सकता है। किस पे जुल्म किया मैंने? जानते हो, इंसानियत में सबसे बड़ा जुल्म क्या है? क्या है? किसी का दिल दुखाना। मैंने किसका दिल दुखाया? मेरा। है? तुम्हारे पास दिल है? ऐसा दिल जो किसी खास शख्स के लिए नहीं बल्कि तकलीफ में मुब्तला हर शख्स के लिए धड़कता है। अरे मैंने तो तुम्हें खाली नर्स कहा था जिसका तुम बुरा मान देते। इसका मतलब है नर्स होने का तुम्हें दुख है। मजबूरियों का दुख नहीं किया जाता इसलिए कि मजबूरियों के पीछे सब्र का हाथ होता है। ईश्वर हमारी मर्जी से चलना, घर जाकर अपनी मर्जी कर लेना। अरे ये तो अस्पताल है, मैं कब्र में भी फरिश्तों को हिसाब अपनी मर्जी से दूंगा। आप दवा ना पीने की कोई वजह भी तो बताओ। बचा मैंने बता दी तो बुरा मान जाओगी। अच्छे मूड में आई हो ऐसी चली जाओ, मैं ये दवाई नहीं पीऊंगा, जाओ। नर्स का मूड ड्यूटी पर एक ही होता है और उस मूड का नाम है मरीजों की खिदमत करना। मरीजों की खिदमत करना, अगर अपनी खिदमत पे इतना ही नाज है तो कान खोल के सुन लो, जब तक दूसरी मिस साहब नहीं आएगी मैं दवाई नहीं पीऊंगा। शफा दवाई में है मिस्टर। जी नहीं, शफा उस मिस साहब के हाथ में है। मैं तो दवा पिला कर जाऊंगी। क्यों ले बे 8 नंबर, बुड्ढा हो गया, 10 नंबर ही नहीं हुआ अभी तक। अरे ये 10 नंबर कहाँ गया? अभी अभी यही था, शायद बाथरूम गया हो। क्या हाल है इसका? अब तो बेहतर है। क्या हाल है? हाल क्या होना है डॉक्टर साहब, बस ठीक हूँ। खुदा के लिए मुझसे ये अस्पताल के खाने नहीं खाए जाते, इनसे कहिए कि ऐसे फुसफुसे खा ले, ना मर्च होती है ना नमक होता है। खुदा के लिए कभी तो कहिए ये कीमे वाले नान हलीम वगैरह पका लिया करें, जब पेट में कुछ नहीं जाएगा तो सेहत खाक आएगी। बस 2-4 दिन और परहेज कर लो फिर खा लेना। हाय हाय, तुम्हारे जख्मों का क्या हाल है? आए जख्मों का क्या हाल पूछ रहे हैं आप? पेट भरेगा तो जख्म भरेगा ना डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि मेरे पेट में कुछ नहीं है। खुदा की कसम इसका एक्सरे करके देखें, सिवाय बद्दुआओं के और कुछ नजर नहीं आएगा आपको। आए वैसे बाय द वे ये मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि मैं और कितने दिन आपके यहाँ मेहमान रहूंगा? तुम्हें अभी 8 रोज यहाँ और रहना होगा। आए नहीं डॉक्टर साहब ये मत कहिए, 1 हफ्ता और यहाँ रहना पड़ेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। वो मुझे नौकरी से निकाल देगा और फिर इस हालत के बाद मैं किसी बाई के पीछे तो जाके नहीं बैठ सकता, क्योंकि आजकल तमाशबीन पैसे कम और असला ज्यादा लेके आते हैं वहां पर। आए सेठ ने मुझे कहा था कि अगर तुम 3 दिन के अंदर अंदर क्लब पहुंच के रिहर्सल पे ना आए तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। तो अब सब मेरे कारोबार का ख्याल कीजिए। जिंदगी रही तो कारोबार चलते ही रहेंगे, वैसे सेहत की दुआ मांगा करो। सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। हुजूर दे राज ते इलाज च मैनूं कोई तकलीफ नहीं दे, पर सज्जे खब्बे मेरे तकलीफां ही तकलीफां दे डॉक्टर जी। ए 7 नंबर दे हुणे ने मेरी दाढ़ी ते दवाई सुट्टी दे, भरिया गिलास दवाई दा ते कदी छिलर मारदा जे कदी दब्बे सुट्टदा, इहने ते मैनूं कूड़े दा ड्रम बना लिया जे। ते नंबर 9 इहने ते मैनूं पहुँच रात ते जे डॉक्टर जी, मैनू इहदे कोलों बचा लो। ये सारी रात कथकली डांस करता जे ते नाले सिगरटा पींदा जे, ते जदों सिगरट सुट्टण वाला हो जांदा ना पुज्जण वाला उदों मेरे ते सुट्टदा। तुसीं आप जानदे हो जे वड्डा टोटा सुट्टे ते असीं बुरा ना मन्नीए। ते बाकी रह गई उस मिस जी दी गल, मैं 20 वारी आखिया मैनूं कंघी दिओ, मेरी दाढ़ी चिक्कड़ पै गए ने। ओ मैं दाढ़ी ते साफ करना, ओह कहिंदे ने
दाड़ी मना दो ये किस तरह मैं कर सकना तुम जानते हो इसे तो छप्पड़ी तो अभी रोटी खानी हो हमें मालूम है तुम बहुत खूबसूरत हो ये जख्म कैसा डॉक्टर साहब मैंने ना जख्मा दी तो परवाह नहीं ये तो मैं आप ही चट के ठीक कर सकना पर जेडे सज्जे खब्बे मैं हर वे जख्म लगते थे ना एना तो मैं बचा लो ए मैं दसो मैं खोलना कदों जे मैं तो बजा बजा कौड़ा हो गया जे डॉक्टर साहब कुछ दिन और ठहर जाओ प्लस्तर उतरेगा तो बेशक भागने लग पड़ना डॉक्टर साहब मैंने उसे दवा दी थी उसने आठ नंबर के मुंह पे फेंक कहता था सलीमा की हाथ से पीऊंगा दवा क्यों नहीं पीते मिस्टर ठीक होना चाहते हो या नहीं दूसरी नर्स को भेज दो मैं दवाई पी लूं उसकी ड्यूटी तुम्हारी मर्जी से नहीं लग सकती मैं तुम्हारी मर्जी से क्यों दवाई पी लेकिन इसकी ड्यूटी तो रात को है रात को पी लूंगा मैं आखिर क्या खूबी नजर आई है तुम्हें उसमें अरे ये क्या कम खूबी है कि वो मेरा दुख जानती है उसके आने से मुझे सुकून मिलता है ये हॉस्पिटल है मिस्टर अस्पताल में हूँ अदालत में नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलूँ देखो डॉक्टर साहब अगर आपको मरीज की बात बुरी लगती है तो मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती इसे कुछ ना कहें इसका तो एहसास ही मर चुका है खैराती अस्पताल में पड़ा है और फरमाइशें कर रहा है वो नर्स होनी चाहिए ये होनी चाहिए क्रैक कहीं का क्रैक ए मियां शायर साहब तुमने किस सिलसिले में मुझे क्रैक कह दिया फिर शोर मचा रहे कितनी बार कहा है ये अस्पताल है कोई चौक बाजार नहीं है तो तुम भी तो ठीक अच्छा, हाँ, मुश्किल मैं खुद आता हूँ तुम्हारे चुप हो जाओ क्यों करते हो क्या आठ नंबर इतने आराम से सोया आठ नंबर ने सिगरेट भी तो नौ चर्च के पी रखे हैं तुझे मुंह कुछ जाना रवि तेनू पवे मिर्गी क्या पूछना चाहते मियां मैं पूछता हूँ भाई साहब आपने मुझे किस सिलसिले में क्रैक कह दिया लड़ना चाहते लड़ना चाहते मैंने कोई नाजायज बात नहीं की किसी लड़की को इकबाल क्या मतलब तुम्हें मेरी कहानी कैसे मालूम सारी बातें सुन सकता हूँ मेरे जा और इसीलिए पूछता हूँ कि तुझे प्राय फट्टे में टांग अड़ाकर क्या मिलता है क्या मिला तुझे देखो शायद मेरी बात सुन अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते तेरी जगह मैं होता ही क्या शहर में हर रोज हजारों नाइंसाफियां होती लाखों लोग दोजख की जिंदगी गुजारते तुम अकेले किस किस जगह किस किस के काम आओ अम्मा तुम तो मुझे कोई सियासी कैदी लगते हो मजमा लगाओ और जी भर के तकरीर करो मेरा मगन मत चाटो जाओ यहाँ से जाओ यहाँ से इसलिए तुझे कहता हूँ कि तू क्रैक है क्रैक है मैं जाकर चुप रहे फेंक दूंगा उठाया पलंग पे इसे छोड़ दे बेटे ये बेचारा बड़ा दुखी आदमी है रात भर मुझे दिलासा देता रहा तो क्या तू घर नहीं गई ना हाँ इसे कुछ न कहना क्योंकि इस बेचारे की माँ नहीं है जैसे तुम मेरे बेटे हो वैसे ये भी लगा लो इसे गले अरे माँ ये तो वैसे ही मेरे गले पड़ा रहता है ये तुम लोग यहाँ क्या हंगामा कर रहे हो ये अस्पताल है कोई अखाड़ा नहीं चलो अपने बेड पर इस कदर बेरुखी से बात न कर माँ अच्छा आदमी है कभी कभी बहकी बातें करता है जैसे अभी करता है अच्छा तू एक काम कर तू जा अभी डॉक्टर आने वाला है तू रक्षा में जा मुलाकात के वक्त आ रही है जा जा बुरखा क्या मैं आ सकती हूँ आ तो चुकी हूँ तो क्या मैं आपके सामने बैठ सकती हूँ बैठ सकती हो लेकिन बोर नहीं कर सकती क्या मेरे आने से पहले खुश थे खुशी तो एक आरजी चीज का नाम है और मैं आरजी चीजों पे भरोसा नहीं करता जिंदगी का भी तो कोई भरोसा नहीं मगर इंसान जिंदा रहने के लिए क्या कुछ नहीं करता आज हम फीसे उम्मीद पर अदा कर रहे हैं कि कल तनख्वाहें भी हमने वसूल करनी है दुनिया उम्मीद पर कायम है डॉक्टर साहब इसीलिए दुनिया के मुकद्दर में कयामत का दिन लिखा गया है खैर ये तो बात से बात चलने की तुम ये बताओ तुम आई किस लिए हो एक नहीं दो काम है आपसे पहला ये कि सात नंबर की बातों से आपने क्या नतीजा खत किया है अक्सर मरीज नर्स की तीमारदारी से मुतासर होकर गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं गलत फहमी से बेहतर है खुश फहमी करिए इसलिए कि मरीज कुछ शकी भी है और जवान है और खुश फहमी कभी एक तरफा नहीं होती तुम्हारी बाजी की आंखें इतनी खूबसूरत हैं
कि हर शख्स हर फहमी का शिकार हो सकता है। डॉक्टर साहब, सिर्फ अंधे को आंखों का सहारा चाहिए, और याद रखिए खूबसूरत आंखों को फेर लेने में बड़ी आसानी होती है। दूसरा काम बताओ, आप कौन सी क्लब में जाया करते हैं? कभी जाया करता था, मगर अब तो जाने का हौसला नहीं पड़ता। हौसला मैं दे देती हूँ, और हिम्मत आप कर ले मुझे क्लब तक ले जाने। तुमने मुझे बुलाया था, मैं आ गया हूँ, लेकिन हैरान हूँ कि लड़की होकर तुमने इतनी जुरत का इजहार किया है, और यहाँ आकर तो तुम्हारा रंग ही कुछ और हो गया है। हाँ, माहौल ही कुछ ऐसा है इकराम साहब। वैसे आने से पहले मुझे ये खौफ था कि आप आकर कहीं नसीहत न करें, लेकिन अब वो जमाना नहीं कि लड़कियों को सुर्ख दुपट्टे की गठरी में बांधकर तकदीर के सुपुर्द कर दिया जाए। आप मेरी पसंद है, और किसी को पसंद करना कोई गुनाह नहीं। आप जो कुछ कहना चाहते हैं मैं समझती हूँ। मैंने अम्मी और बाजी दोनों को अपनी पसंद का बता दिया है, दोनों ने इजाजत दे दी है।
हम दोनों पढ़े लिखे हैं और आपस में गुफ्तगू करके किसी भी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। क्यों इकराम साहब? बात तो तुमने बड़ी माकूल की है सीमा, मुझे तुम्हारी साथ कोई पर खुशी है, लेकिन जब तक माँ बाप से राय नहीं ले लेता मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे उम्मीद है कि वो कभी इनकार नहीं करेंगे, इसलिए कि मुस्तकबिल आपकी तरह रोशन है। और खुदा न खासा मैं कोई अनपढ़ लड़की या नर्स नहीं, आप मुझसे शादी करके लोगों को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। गुलाब का फूल गुलाब के पौधे पर ही खिल सकता है, गेंदे की शाख पर नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खुद ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो तुम जैसी जहीन हो। क्या बात है सलीमा, चंद दिनों से तुम कुछ मुरझाई दिखाई देती हो, यूं मालूम होता है जैसे कोई दुख की बात है बेटी जिसे तुम अपने दिल से लगाए बैठी हो। कोई बात नहीं है अम्मी, मुझसे न छुपाओ सलीमा, मैं तुम्हें जवान देखते देखते बूढ़ी हो गई हूँ और तुम मेहनत करते करते जवानी की हद से आगे बढ़ गई हो। मैं जानती हूँ जब लड़की शादी की उम्र से आगे चली जाए तो मायूसियों से घेर लेती है। तुम समझती हो मुझे तुम्हारा कोई दुख नहीं। आप खावा खा बात को दूसरी तरफ ले गई हैं अम्मी, तकदीर की यही मर्जी थी सलीमा, मेरे बस की बात नहीं। खुदा ने ना तुम्हें कोई भाई दिया और ना मुझे कोई बेटा, तुमने बेटों की तरह इस घर को संभाला है और अपनी हर ख्वाहिश की कुर्बानी दी है। जब इतना कुछ कर चुकी हो तो मंजिल के करीब पहुँच कर थक क्यों गई हो? इस बार जब सीमा लेडी डॉक्टर बन जाए तो तुम नौकरी छोड़ देना बेटी। तुम्हारी ये सोच गलत है माँ, अब तुम सीमा को भी उसी दोजख में डालना चाहती हो जिससे मैं आज तक नहीं निकल सकी और ना ही मैं निकलना चाहती हूँ। मैंने ठीक सोचा है बेटी, माँ के लिए सभी औलाद एक जैसी होती है। अगर किस्मत ने बेटी की मोहताज की लिखी दी है तो सीमा भी तो मेरी बेटी है। जब वो डॉक्टर बन जाएगी तो मैं तुम्हारे हाथ पीले कर दूंगी, इसलिए कि तुम अपने हिस्से से ज्यादा फर्ज अदा कर चुकी हो। कैसा फर्ज और किसका हिस्सा? मेरा फर्ज तो उस वक्त तक अदा नहीं हो सकता जब तक तेरी अंगुली पढ़ लिख कर जवान नहीं हो जाती। वैसे भी अब मेरी उम्र खुशियां तलाश करने की नहीं है माँ, और ना ही सीमा की उम्र मुसीबतें उठाने की। ना 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 ना। माँ बेटी में बड़ी रात की बातें हो रही हैं शायद। सीमा तुम इतनी देर से कहाँ थी? तो ये मेरी शिकायत हो रही थी, बाजी को तो पता था कि मैं कहाँ थी, इसने सही बताया है कि मैं डॉक्टर इकराम के साथ सैर करने गई। सीमा तुम कैसी बातें करती हो? मुंह पे करती हूँ, कोई तुम्हारी तरह शिकायत नहीं करती। जरा अम्मी को ये भी बताना था कि अस्पताल में एक ऐसा मरीज भी है जो तुम्हारे बगैर किसी के हाथ से दवा नहीं पीता। अपनी सफाई देने की बजाय मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? ठीक कह रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल करने तुम्हारी वार्ड में गई थी, जिस मरीज को गोलियां लगी है वो दवा नहीं पी रहा था, कहता था तुम्हारे हाथ से पीऊंगा। सीमा तुम चुप रहो माँ, जिसका बस चलता है वो उधार भी नहीं रखता। तुम सिर्फ एक नर्स और तुम्हारा हाथ एक मरीज तक पहुंच सकता है, मैं एक डॉक्टर हूँ और अगर मेरा हाथ अपने जैसे ही किसी के दामन तक पहुंच चुका है तो इसमें डरने की क्या बात है? सीमा जबान को काबू में रखो और जहन में एहसास पैदा करो कि तुम अपनी बड़ी बहन के सामने खड़ी गुस्सा ही कर रही हो। बड़ी इसीलिए ना कि तुम हमें कमा कर देती हो और हम खाते हैं, और तुमने ठीक सोचा है कि हम तुम्हारे रहम करम पर जिंदा हैं। सीमा सलीमा बाजी हट जाओ, मेरे करीब कोई ना है, ना कोई मेरी माँ है ना कोई मेरी बहन, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो।
जिंदगी का पहला और आखिरी सफर था। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। माफी तो ज्यादती की मांगी जाती है, तुमने कौन सी ज्यादती की है? ठीक है, जिसकी कमाई खाते हैं उसके थप्पड़ भी खाने पड़ते हैं। तुम मेरी बहन ही नहीं, मेरी बेटी भी हो, मेरी औलाद भी हो। मेरा मेरा तुम्हारे सिवा ना कोई है और ना कोई होगा। तुम्हारा हौसला मुझसे ज्यादा बुलंद होना चाहिए। खुदा ने तुम्हें रोशन मुस्तकबिल दिया है, मेरा मुस्तकबिल तो अंधेरों से भरा पड़ा है। और तुम भी तुम मेरी इस अंधेरी दुनिया की एक क्षमा हो। मुझे मुझे माफ कर दो माजी, माजी मुझे माफ कर दो। Thank you.
समझे, कुछ समझ भी जाओ। मिस साहब, मेरे दखमों से खून रिस रहा है, जरा आके पट्टी कर दो। कहां से खून रिस रहा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहा, मगर बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा है। दिखा, कहां से ये खून रिस रहा है? तुम्हारी आंखों से और मेरे दिल से। क्या मतलब? देखो मिसा, तुम पढ़ी लिखी हो के मेरी बात नहीं समझती, मैं अनपढ़ होके तुम्हें समझा देता हूँ। मैं शर्मसार आंखों से और तभी जबान से तुमसे माजरा चाहता हूँ। मैंने तुम्हें करीब इस वास्ते बुलाया है कि तुम्हारा मेरा फासला इतना था कि मेरी बुलंद आवाज तुम्हारे अपने कानों तक पहुँचने से पहले ना कई गैर कामों तक पहुँच जाती। माजरा दबी जबान से करते हो और बदनाम बुलंद आवाज से। तुम एक बेवकूफ के भैंस में बड़े अकलमंद मतलबी हो। और मशकूर भी हूँ आपकी शफकत का। देखिए ना, आपने एक जानवर को इंसान से ज्यादा हसास बना दिया है। अगर हसास होते तो डॉक्टर साहब के सामने ऐसी बात न करते कि मैं अस्पताल की चार दीवारी से लेकर घर की दहलीज तक बदनाम हो जाती। ओ, जाती तो उस वक्त हुई थी जब मैं एक जानवर था। और देखो ना, माफी मैं उस वक्त मांग रहा हूँ जब मैं अपनी नजरों में एक इंसान बन गया हूँ। जानवर को इंसान बनने में तो सदियां गुजर जाती हैं, मगर इतनी बड़ी तब्दीली सिर्फ एक रात में? एक रात? आय हाय 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 हाय, इस एक रात के एक मुख्तसर से ख्वाब ने मुझे जिंदगी का जो मजा बख्शा है ना मिस साहब, वो हकीकत में शायद बाकी सारी जिंदगी मुझे नसीब ना हो। ख्वाब हसीन नजर आए तो खुश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ख्वाब की ताबीर हमेशा उलट होती है। ओ, वैसे तो जिंदगी सारी ख्वाब है, लेकिन दुआ ये करो ना ये जिंदगी हसीन बन जाए। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं हो सकती कि हमें ताबीर का इंतजार करना पड़े। तो फिर खुदा से दुआ मांगो कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। मैं तुमसे क्यों मैं इंतजार करूं, किसे हसीन बना दो। यूसुफ, सलीमा, मुझे टेनिस खेलना नहीं आता। तुम्हें कौन सा पाकिस्तान का चैंपियन? देखने वाले मजाक उड़ाएंगे। देखने वालों की तरफ देखना जरूरी है क्या? तुम सिर्फ गेंद को देखना। सिर्फ आपकी तरफ देख सकती हूँ। मैं भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं तो कहती हूँ बैडमिंटन ही खेल लेते हैं, खेलना तो आता है। खेलती रहोगी तो ये भी सीख जाओगी, दुनिया वालों के रॉकेट चांद तक पहुँच गए, तुम्हारा रैकेट गेंद तक नहीं पहुँचेगा। आओ बिस्मिल्लाह करें। आपके पेरेंट्स ने जवाब भेजा नहीं? आज की डाक में आएगा। बाजी और अम्मी तो पूरी तरह मान गए हैं। मेरी तरफ से भी अच्छी खबर आई। तुम्हारे चेहरे पर पसीना बड़ा खूबसूरत लगता है। तुम्हारी आंखों का शुक्रिया। मैं तो थक गई। तो गेम खत्म किए देते, आओ मेरे साथ। आज तो अस्पताल के तमाम अमले ने हमें खेलते देख लिया है। आज खेलते देखा है, कल मिलते भी देखें। एक बात पूछूं? वो क्या? तुम इस उम्र में थकने लगी हो, बड़ी होकर क्या करोगी? जो आप कहा करें। बताएं क्या, पहली मरतबा मैंने तुम्हें डॉक्टर के साथ देखा, मैं समझे तुम या बीवी हो।
गलत फहमी हो गई होगी। हमारी जिंदगी तो कारखाने के मजदूरों की तरह है। काम से फारिग हो गए तो कहीं घूमने चले गए। एक बात पूछूं, मेरा जख्म ठीक हो गया फिर भी मैं जाऊंगा नहीं आज? जख्म तो तुम्हारा ठीक हो गया है और अगर आदतें भी ठीक कर लो तो क्या हर्ज है? अरे मेरी आदतें तो बहुत अच्छी हैं, तुम्हें क्यों बुरी लगती है? बुरी इसलिए लगती है कि वो तुम्हारे लिए बुरी है, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बुरी है। मुस्तकबिल का कौन जाने क्या होने वाला। वैसे अगर तुम कहो तो मैं आदतें क्या मैं दुनिया छोड़ दूं? दुनिया छोड़ने के लिए तो तुम हर वक्त तैयार रहते हो। कभी ये भी सोचा है कि तुम अपनी माँ के अकेले सहारे हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उस बेचारी का क्या बनेगा? पत्ता फेंक मास्टर, किधर देख रहा है? उधर तो देख, 7 नंबर शिकार खेलना। अरे जो खुद जख्मी है वो क्या शिकार खेल? तो फिर यूं कहो कि नर्स ने जाल फेंक दिया। मुझे तो तेरी नियत में फतूर लगता है। तो वाइफों के पीछे बैठ बैठ कर तेरी गैरत का जनाजा निकल गया है मास्टर। अरे मरीज की तवज्जो तकलीफ से हटाना भी तो नर्स का एक फर्ज है। तो अगर मरीज गलत फहमी का शिकार हो जाए तो? हाँ ये मुमकिन है, क्योंकि 7 नंबर मुझे खासा बेवकूफ आदमी लगता है। उसकी अक्ल उसके तखनों में। अब देखना यार, हम दोनों भी तो मरीज हैं। ठीक है, खुदा का फजल है, खूबसूरत हैं, जवान हैं, कड़ियल हैं। हद हो गई, यानी देख तो सही जरा। माशा, यानी बावजूद ऑपरेशन इतनी अच्छी सेहत। अब उसको खुदा का खौफ नहीं आता नर्स को कि चंद मिनट हमारे पास भी आके बैठ जा? अरे वो रहम दिल है, उसकी माँ की बातों से मुतासिर हो गई। वैसे तुम उसे बेवकूफ कहते हो, मैं तुम्हें अहमक समझता हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे मुझे समझो मास्टर, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे अपनी तरह का बेईमान ना समझना। यार शायर एक बात तो बता मुझे, ये तू सारा दिन जो शायरी बकता रहता है ये खुद लिखता है या कहीं से एंटी करता है? अपना हो या गैर हो बाबा, अच्छा दिल वालों की खैर हो बाबा, दिल वालों की खैर हो बाबा। जैसी सोहबत होती है, जैसा मौका होता है, वैसी बात कह देते हैं। हाय 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 हाय, खुदा की कसम बहुत मौका शनास आदमी। एक तरकीब आई है। क्या? वो ये है कि यहां से सेहत याब होने के बाद सीधे स्टार थिएटर चले, ठीक है? मैं वहां का सबसे बड़ा डांस डायरेक्टर हूँ। खुदा की कसम तुम वहां पर ये अपने हमसाया मुल्क की चलन धूमे पर गाने लिखा करना, और मैं ऊपर नाम दिया करूंगा और दाद लिया करूंगा। खुदा की कसम हमारी जिंदगियां बन जाएंगी। और फिर अगर ये जो नर्स छोकरी है ना, आंखें ऐसी जहर दें उस पर ये ताकीद के पीना। आए, ये बतौर हैरोन मिल जाए, खुदा की कसम तेरी मेरी जिंदगी बन जाए। इतनी इतनी लंबी गाड़ियां हों हमारे पास कि छोटा मोड़ ही ना मुड़ सके। मास्टर हाय प्यारे, फरमाइए। तू मुझे इस मुल्क का एक अजीम बेगैरत लगता है। कमीने, बेगैरत नर्स तो एक मजबूरी का नाम होता है, और तू उसे स्टार थिएटर के स्टेज पर नचाना चाहता है। क्या हर्ज है? और फिर मुझे कहता है कि मैं पड़ोसी मुल्क की चलंत धुनों पर गाने लिखूं। बेनसीब, अगर मैं ऐसा करने वाला होता तो आज फाकों से तंग आकर इस अस्पताल में दाखिला ना लेता, बल्कि मेरा अपना एक प्रोडक्शन का दफ्तर होता, बड़ा कारोबार होता। उठाकाश मैं तेरे साथ नहीं खेलता। तो मत खेलो, मेरा रुपया तो दे दे दो जो हारे हो। कैसा रुपया? अभी जो हारे हो। कहां का रुपया? कहां का रुपये की शक्ल नहीं देखी है, खुदा जाने कि इस जमाने में चपटा बने हैं या के गोल। यूसुफ बेटे, ये नर्स तो मुझे कोई फरिश्ता मालूम होती है। फरिश्ता नहीं, फरिश्ता कह के ज्यादती कर रही है माँ। क्यों, क्या बुराई है उसमें जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है, जभी तो कह रहा हूँ फरिश्ता मत को, फरिश्तों में तो शैतान का भी शुमार होता है। ये गुफ्तगू मुझे तुम्हारे अपने जहन की पैदावार नहीं लगती। मुझे यकीन है तुम्हारे कानों ने किसी से सुनकर
तुम्हारी जबान के हवाले करती है। तुम मेरे बेटे हो, इसका सबूत अपनी गली से लेकर हशर के मैदान तक तुम्हें मिल सकता है, लेकिन तुम्हारी इस गुफ्तगू ने तुम्हारे उस यूसुफ होने पर शुबा पैदा कर दिया है जिसे मैं बेवकूफ समझती थी, और आइंदा भी तुम्हें नादान समझती रहूंगी। औलाद तो हमेशा ही वालिदैन के लिए नादान होती है, चाहे वो उसका नाम फर्श की पस्तियों से लेकर अर्श की बुलंदियों तक ले जाए। बेटे, मेरे 25 साल की परवरिश लाल प्यार ने जिस यूसुफ को जन्म दिया था वो एक रात में कैसे तब्दील हो गई? वो माँ का प्यार था, जैसे जैसे बढ़ता गया इंसान की आंखें बंद होती है, ये अपना प्यार है माँ, जैसे जैसे चलता जाएगा इंसान दूर देश होता जाएगा। सुभान अल्लाह, आ गए सुभान अल्लाह। आओ, माँ के प्यार पर अपने प्यार को तरजीह दे रहे हो बेवकूफ, जबान संभालो। देखो, ये हम सब मानते हैं कि खुदा के बाद माँ का दर्जा है, और प्यार करने में तो खुदा की कसम माँ खुदा से भी बाजी। ऐसा मत कहो बेटे, ये कुफर है। तुम कुछ भी कहो माँ, मगर ये है हकीकत। वो इस तरह के खुदा अगर अपने बंदों से नाराज हो जाए तो कभी कभार उन पर कहर भी नाजिल कर देता है। माँ अपनी औलाद से कितनी भी नाराज हो जाए उसके मुंह से तो बद्दुआ तक नहीं निकलती। देखो शायर भैया, तुम तो कहते हो तुम्हारी माँ नहीं, फिर तुम माँ के प्यार का अंदाजा कैसे लगा सकते हो? वो इस तरह माँ का मुख्तसर सा लफ्ज अगर जबान से अदा करें तो मुंह मिठास से भर जाता है। हाँ हाँ, उसके अपने वजूद में कितना प्यार होगा इसका अंदाजा किया जा सकता है। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, और जो चीज इंसान के पास हो इंसान उसकी कदर नहीं करता। माँ, तुझे वो नर्स बुला रही है। अच्छा बेटे। जा माँ, शायद तुझे जरूरी काम हो, या शायद मेरी बात कर रही हो। जल्दी जानो, बैठो बैठो। मैं दरअसल इसलिए तुम्हारे पास आया था कि तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। अब तुम्हारे जख्म भी ठीक होते जा रहे हैं और तुम खुद भी रफ्ता रफ्ता इंसानियत की तरफ आ रहे हो। ये अस्पताल तो तुम्हारे लिए तालीम बालगा का स्कूल बन गया है। देखो भैया, तुम इतनी अकलमंदी की बात करते हो कि मुझे तुमसे बहुत डर लगता है भाई। अरे डर तो जहालत से आना चाहिए, अहमक आदमी से डरना चाहिए। मैं तो अब इसीलिए तुम्हारे पास आके ज्यादा बैठता हूँ कि अब तुम पहले जैसे क्रैक नहीं रहे। अब तुम्हारी आंखों से नफरत के शोले नहीं निकलते, मुझे यूं लगता है जैसे प्यार के सितारे झिलमिलाते हैं तेरी आंखों में। बच्चा, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर बता देंगे बादशाही के। हमारे जामिया, मरवाने वाली बातें मत करो भाई। ना दे, कश दे ले। ना ये उसे दे दे चरण सीता। सीमा तो जाने कब आए, मैं कहती हूँ तुम उठो और खाना खा लो। माँ, सीमा जवान हो चुकी है, जवानी का जमाना दुश्मन होता है। वो आए तो उसे समझाना कि इतनी रात गए तो बाहर रहना तो मर्दों के लिए भी अच्छा नहीं होता। तुम तो एक मासूम लड़की हो, मैं उसे नहीं समझा सकती। तुम खुद उससे बात क्यों नहीं करती? नहीं माँ, मैं तो इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि अगर घर में कोई बहन या भाई कमाने वाला हो और वो अपने किसी छोटे को नसीहत करे तो छोटा ये समझेगा कि ये हमें खाने को देता है इसलिए रोक डालता है। वैसे भी तुम माँ हो, तुम्हारा हक है उसे समझाने का। तुम भी तो उसकी बड़ी बहन हो, मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है। मैं अपना हक आजमा चुकी हूँ माँ, एक ही बार उसे समझाया था तो उसने मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी थी। वो आ गई, मैं अब सोने लगी, तुम ही उसे समझा लेना। तौबा तौबा, इतनी बोर फिल्म थी कि सर दुखने लगा है। ये अंग्रेजी फिल्म वालों को मार डाले थे, इसका कुछ नहीं आता। तुम्हारे इम्तिहान सर पर है और तुम फिल्म देखने में वक्त जाया कर रही हो। जरा दिमाग फ्रेश हो जाता है जी। डॉक्टर इकराम ने दावा दी थी मैं न रह सकी,
टेबल नेस किसने जलाया है? किसने छेड़ा है मेरी किताबों को? मैं पढ़ रही थी, मेरा डेस्क भी करीबी है ना। ओ, अम्मी सो गई क्या? हाँ, तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई। सीमा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। अगर नसीहत करना चाहती हो तो मेरे सर में पहले ही दर्द हो रहा है। अगर डॉक्टर इकराम को तुमने जिंदगी का साथी चुन ही लिया है तो उसे मिलना बंद कर दो। तुम्हारा ख्याल है डॉक्टर इकराम शरीफ आदमी नहीं? ये बात नहीं है सीमा, वैसे तो हर आदमी शरीफ होता है, लेकिन गुनाह हमेशा मौका और तरह की तलाश में रहता है। ओफो। मतलब है तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं? तुम पर तो एतमाद है सीमा, दुनिया वालों पर भरोसा नहीं, क्योंकि वो जरा सी बात को पर लगा देते हैं। और तुम तो जानती हो कि बदनामी खुदा ने सिर्फ औरत के लिए बनाई है, मर्द के लिए नहीं। क्या दकियान उसी बातें करती हो, मैं अपने बुरे भले को खुद समझती हूँ। तुम जल्दी से मेरा स्लीपिंग सूट निकाल दो, मैं आज जल्दी सो जाना चाहती हूँ। क्यों, खाना नहीं खाओगी? खाना मैं होटल में खा के आई। इधर आओ सलीम, मैंने तुम दोनों की गुफ्तगू सुन ली और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम घर में एक छोटी सी दावत करके डॉक्टर इकराम को बुलाओ और उसे मंगनी की अंगूठी पहना लो, क्योंकि सीमा एक थमी हुई आंधी की तरह है जो किसी वक्त भी चलकर हमारे सर नंगे कर सकती है। इतनी जल्दी अच्छी नहीं है माँ। और इस मामले में इतनी देर करना भी ठीक नहीं, मंगनी अब कर देते। सीमा जब इम्तहान पास कर ले तो शादी की तारीख मुकर्रर कर दे। Thank you.
जरूर कर ले, मेरा ख्याल भी हुजूर कर ले, थोड़ा सा प्यार तो जरूर कर ले, मेरा ख्याल भी हुजूर कर ले। सीमा अभी तक नहीं आई, खुदा खैर कर। मेरे ख्याल में उसने अंगूठी पसंद करने में देर कर दी है। तुम उसके साथ ही चली जाती तो अच्छा। उसकी रफ्तार बहुत तेज है माँ, मैं उसके साथ नहीं चल सकती। क्या मतलब? कुछ नहीं माँ, मेरा मतलब है अभी शाम होने में बड़ी देर है, सलमा और बच्चे स्कूल से आ जाए तो उसकी तलाश में निकलेंगे। देखो तो कौन। कर्ज खा ही ना हो। रामी साहब, मैं बड़ी देर आपका अस्पताल में इंतजार करता रहा, फिर मैं माँ को घर छोड़ के ना। इसका मतलब है फिर तुमने माँ को तंग करना शुरू कर दिया? नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे वादा किया था मैं वो पूरा करूंगा। देखिए, ना माँ को तंग करूंगा, ना किसी से लड़ूंगा झगड़ूंगा। वैसे मैं साहब, आप जो मेरे मुतालिक सोचा था वो शुरू कर देना। क्या मतलब है? देखिए ना, मतलब ये कि मैं बहुत अच्छा आदमी हो गया हूँ बिल्कुल आपकी तरह। मैं फिर भी नहीं समझी। ओहो, तो आप समझने की कोशिश तो करें। मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं किसी और वक्त सुन लूंगी। आप सुन लेंगी ना? हाँ हाँ, मुझे क्या इतराज हो सकता है, पट्टी कराने तो आना ही है ना। तो फिर अभी सुन लीजिए मिस साहब, देखिए मुझ में हिम्मत नहीं है सबर की। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बाद में बात कर लूंगा, पहले माँ से बात करूँ। ये गुलदस्ता। ये गुलदस्ता क्यों लाए? मिस साहब वो शायर है ना, उसने कहा था कि खुशबू से दिल नरम हो जाते। ले ले, ले ले ना बाजी, ले लो ना गुलदस्ता, किसी गरीब का दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ले ले, ले, ले। साहब, अबे कोई बाजा बजाओ, गाना सुनाओ, कोई हंगामा नहीं, कोई खुशी नहीं, कहीं मैनेजर गुजर तो नहीं गया है? अबे वो टिन वाले वहां छुपा क्या खड़ा है? कोई चाय वाय लाओ, कोई पेस्ट्री लाओ, लड्डू होते हैं तुम्हारे यहाँ? ये लो पैक पियो, आज तुम हमारे मेहमान। अरे डर तो करो मेहमान, अब बदबू आ रही है, बना दे एक ठंडा मुझे, और देख कोई उसके अंदर ये शराब वराब मत डालियो, मैं तोड़ दूंगा फिर 6 रुपए मांगेगा। आओ सब कुछ मिलेगा, आओ मेरे साथ बैठो, आओ। चमचे कितने हैं तेरे? सब तुम्हारे। जल्दी ला दे। टैक्सी ड्राइवर आदमी तुम शरीफ भी हो और दिलचस्प, अगर थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा ठीक हो जाए तो लाखों में खेलने लगो। अरे लानत है ऐसे लाखों पे, पागल हो गया तू तो, इंसान अपना सुकून भी खोए और तुम्हारी तरह पुलिस से छुपता भी फिरे। तो ऐसी जिंदगी को क्या किया जाए जो तुम्हारी तरह दरबदर। अरे दरबदर हो मेरे दुश्मन, तुम क्या समझते हो? आज मेरी जिंदगी में खुशी का दिन आया है, इससे पहले कभी नहीं आया। आर्डर दो अपने चमचों को मेरा मुंह मीठा कराएं, उन्हें बिल भी आधा करूंगा और टिप भी दूंगा सुसों। मैंने गुस्सा करना, लड़ना और पराए फड्डे में टांग अड़ाना बंद कर दिया। बहुत खूब, बहुत तो आजमा ले। अरे यूसुफ अंदर चलो,
क्या बंदर की तरह टैक्सी पर चढ़े बैठे हो? ना खाना ठंडा हुआ है, ना बस वाला पानी गर्म हुआ है। बस पर आ ही गए हो तो खाना खा लो। वहाँ तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि जिस काम से गया था उसका क्या बना। अरे तेरी आंखों की चमक ही काफी है। वैसे तुम खुश ही आए हो या? फूल दिए थे माँ, उसे उसने कबूल कर लिया। अब पछता रहा हूँ कि फूल गुलदस्ते में देने के बजाय शहर में पिरोए। अब तो एक ही सूरत रह गई है कि तू सलीमा के पास जाकर ना उसे कहना कि मेरे बेटे ने तेरे कहने पे सारी जिंदगी बदल दी। मैंने खुद से वाली वो रग ही दबा दी है माँ, जिसका खून जोश मारा करता था। उससे कहना कि मैं उसी रास्ते पे चला आ रहा हूँ जिसकी मंजिल पर खड़े होकर उसने मुझे आवाज दी थी। उससे कहना मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, सारी दुनिया बदल गई। अरे शर्म करो, कभी जबान बंद भी रखा करो। कल पट्टी कराने जाओगे तो सारी बातें कह दे। नहीं माँ, तू अभी टैक्सी में बैठ, मैं तुझे उसके घर छोड़ दूंगा और मैं बाहर अंधेरे में छुपा रहूंगा। तुम तो बेवकूफ हो, मैंने जमाना देखा है। मैं ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करूंगी जो बाइज्जत ना हो। वैसे भी यूसुफ हर काम वक्त पर ही अच्छा लगता है। इस वक्त तुम खाना खाओ और सो जाओ, चलो। अरे तुम तो दीवाने हो गए, टैक्सी की बत्तियां जलती छोड़ गया। मिसाफ सलाम। बैठ जाओ। तुम किस वक्त बैठी हो? मैं मिसाफ आधा घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अरे हाँ याद आया, आज तुम्हारी पट्टी कराने का दिन है। हाँ, और मुझे आपसे बहुत सी बातें भी करनी। ये गुलदस्ता लीजिए। ले लूंगी, इस तोहफे से ज्यादा जरूरी तुम्हारी पट्टी है। माँ को तंग नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। किसी से लड़ाई तो नहीं करते? अरे लड़ाई क्या अमित साहब, मैंने तो झगड़ा भी छोड़ दिया है, सब काम छोड़ दिए। और पता है मैंने क्या छोड़ दिया अमित साहब? ये तो आपने छुड़वाया है ना सर। शुक्र है सीधे रास्ते पर आ गए हैं। अच्छा आपको खुशी हुई है ना मेरे मिजाज शरीफ के बदलने? क्यों कैसे खुशी नहीं होगी? मैंने कहा था ना मैं एक बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। वो आपकी छोटी बहन है ना? हाँ? उनकी मंगनी हो गई? हाँ हाँ मंगनी हो गई है, शादी भी कर दूंगी। जरा लेडी डॉक्टर बन जाए। ना ना ना, ना ये डैडी डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े, जल्दी से शादी कर दें, जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जिम्मेदारी इंसान की कहाँ खत्म होती है, ये तो सांस के साथ साथ चलती है और वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। अभी मेरी तीन छोटी बहनें और हैं जिनकी परवरिश मेरे जिम्मे है। हाँ हाँ हाँ, आपको कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। यही थोड़ा है कि आपने अपनी सारी खुशियों की कुर्बानी देके एक बहन को डॉक्टर बना दिया, बाकी बहनों की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दी। क्या मतलब, तुम कहने क्या चाहते हो? मेरा मतलब है मैं दिन रात मेहनत करके 40-50 रुपए कमा लूंगा, इसमें 7-8 आदमी की जिंदगी बड़े आराम से गुजर जाएगी। मुझसे क्या वास्ता है तुम्हारा? वास्ता अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन मिस साहब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं आपके बगैर जिंदगी तो क्या एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। कैसी बातें कर रही हो यूसुफ, तुम्हें गलत फहमी तो नहीं हुई? मिस साहब आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? देखिए ना, मैं इतने दिन अस्पताल में रहा, आपने सब मरीजों से ज्यादा मेरी देखभाल की, मुझसे हमदर्दी की, मेरे लिए हंसी, मेरे लिए रोई, मुझसे लड़ाई की, मुझसे सुलह की, और मोहब्बत में होता क्या है? आप एक बार किसी की तरफ देख रहे हो तो उसे गलत फहमी हो जाती है। मैं तो इतने दिन रहा हूँ, मुझे गलत फहमी नहीं हो सकती। ये मेरे फ्रेंड में था मिस्टर, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो फिर भी मैं ऐसा ही करती। मैं नर्स हूँ, मेरी मोहब्बत, मेरा इखलाक, मेरी गुफ्तगू और मेरी मुस्कुराहट सिर्फ मरीजों के लिए, सेहतमंद से मेरा कोई वास्ता नहीं। तो क्या ये सब कुछ झूठ था? ये सब कुछ सच था, लेकिन तुम मेरी हमदर्दी को गलत रंग में ले गए हो। अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं तुम्हारी पट्टी बनने कभी ना आती। मैं ड्रेसर को भेज देती हूँ, उससे तुम पट्टी करा लेना।
कोई है? मैनेजर बाहर आओ। जिस आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी उसे मेरे हवाले कर दो। टैक्सी ड्राइवर, तुम पागल दीवाने हो, गैरतमंद हो, बहादुर हो या बेवकूफ आदमी, किसी वक्त खुशी में उछलते हुए चले आते हो और कभी अकेले मरने के लिए आ पहुंचते हो, आखिर तुम चाहते क्या? ये मोहब्बत और नफरत का मामला है, तुम जैसे जरायम पेशा ये नहीं कर सकते। वो भी तो जुर्म है जो तुम करने आए हो। मेरा जुर्म मुझे सुकून देता है और तुम्हारे गुनाह तुम्हें बेचैन कर देते। मेरे पास वक्त नहीं है, उस आदमी को मेरे हवाले कर दो। पीछे मुड़कर देखो, इनमें से कौन था जिसने तुम पर गोली चलाई? ए भाई यूसुफ, मैं तो कहता हूँ मियां वापस चले जाओ, अब हम दोनों इकट्ठे अस्पताल में रहे, कम अज कम मेरी दोस्ती का ही पास रख लो। जाओ खाओ कमाओ, खाम खा में क्यों प्राय फड्डे में टांग अड़ाते हो? मैंने शराफत से जिंदगी गुजारना छोड़ दी है, मैं हर एक के फड्डे में टांग अड़ाऊंगा। जाओ यहाँ से। कोई शख्स अपनी जगह से नहीं ले। आइए थानेदार साहब, बड़े अच्छे मौके पे आए। इन्हें तलाशी करवा दो, लाइसेंस दिखा दो ताकि इनकी तसल्ली हो जाए। आइए जनाब, आपकी तसल्ली कर। पहले पुलिस से निबट लो, मैं फिर आऊंगा। सर चढ़ी। मैं कहता हूं कि इस दशकरे को अपने रास्ते से हटा दें, वरना आपका कारोबार ठप कर देगा। और फिर खातिर से एक टैक्सी ड्राइवर को रास्ते में से हटाना कौन सी बड़ी बात है? चार खूनी सवारियां इसकी टैक्सी में बिठा दें, इसका झटका कर दें। देवर संभाल के रख दो और पिटारी में से रुई और पट्टी निकालकर मेरे बाजू की पट्टी कर दो। माफ पता है क्या, मैंने नाच घर वालों को आज फिर मारा, वो फिर एक लड़की पे जुल्म कर रहे थे, हाथापाई में मेरी पट्टी खुल गई और हाथ से जख्म से खून बहने लगा है। माँ तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूँ। पता है क्या, मैं अस्पताल से पट्टी करा के जब बाहर निकला तो बाहर नाचघर की एक सवारी मिल गई। मैंने बहुत मना किया कि मुझे घर देर हो रही है, लेकिन वो माने ही नहीं, वो शराबी था। मां बोलती क्यों नहीं? मां मुझसे नाराज, झूठा समझती हो या वैसे ही बात करना नहीं चाहती? कोई सवाल मत करो यूसुफ, मुझे सिर्फ इतना बता दो, जिस सलीमा के पास तुम पट्टी कराने गए थे उसने क्या जवाब दिया है? तुम पूछ कर क्या लोगी मां? सिर्फ बीमारी की वजह जानना चाहती हूँ। इलाज तो ना मेरे पास है और न तुम्हारे पास। उसने कहा था मां, उसका वास्ता सिर्फ मरीजों से, सेहतमंदों से नहीं। उसने कहा था कि मुस्कुराना उसकी आदत है, दिलों तक रसाई उसका पेशा है और गलतफहमियां बांटना उसकी वो मजबूरी है जो खुदा ने उसके चेहरे की शक्ल में अदा की है। उसने इतना कुछ कहा था मां और इतना कम कहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता था कि अपने बाजू का जख्म उसके सीने पर सजाकर किसी ऐसी मंजिल की तरफ चला जाता जहां से वापसी का रास्ता न मिलता। वो मंजिल तो नाच घर थी, लेकिन वापसी का रास्ता ये नहीं था यूसुफ, जहां तुम आज पहुंचे। तो बेहतर तो यही था यूसुफ, तुम इंतजार करती हुई माँ की तरफ ना आते, बल्कि धुतकारने वाली उस औरत की तरफ चले जाते जिसकी खातिर तुम हर रोज अपने चेहरे का रंग बदल सकते हो, जिसकी जबान से निकले हुए लफ्ज तुम्हारे लिए तकदीर की हैसियत रखते। क्या कह रही हो माँ? मुझे तुम्हारी कसम। मेरी कसम न खाओ यूसुफ, कसम तो किसी कीमती चीज की खाई जाती है, और मुझे आज अपनी हैसियत का पता चल गया। तुम गलत समझी हो माँ,
माए गलत ही समझा करती हैं। ये रिश्ता ही ऐसा जिसे सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत कहा जाता है, इज्जत के काबिल नहीं समझा जाता। ऐसा मत कहो माँ। ऐसा क्यों मैं कहूँ यूसुफ? तुम ये जानते हुए भी कि दुनिया की तमाम औरतें मिलकर भी माँ से ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकती। मेरे कहने से अपनी आदत नहीं बदली थी, लेकिन सलीमा की चंद दिन की आशनाई ने तुम्हें अपनी जिंदगी के वह तमाम असूल बदलने पर मजबूर कर दिया जिन्हें मैं भी गलत कहा करती थी। माँ! तुमने प्यार के वहम में आकर सही रास्ता भी इख्तियार किया और फिर उसी प्यार की बेरुखी ने तुम्हें गलत रास्ते पर भी डाल दिया। मुझे तो आज पता चला है, मर्द बेटा हो या कोई और, सबकी एक ही जात होती है, तमाम मर्द एक जैसे होते हैं। प्यार का वहम देने वाली औरत की खातिर तो असूल भी बदल देते हैं और जिंदगी भी, लेकिन मोहब्बत का यकीन दिलाने वाली माँ को घर की दहलीज से ज्यादा वक्त नहीं देता। बोलो यूसुफ, तुम मुझे दीवार समझते हो, पत्थर समझते हो, या वो लाश जिसे जब चाहो दफन कर सकते हो, जिसे जब चाहो अपनी जरूरत के लिए उसका कफन उतार सकते हो? चुप क्यों हो यूसुफ? बोलो बोलो यूसुफ, तुमने मेरे बुढ़ापे के 25 साल साल के 20 दिनों पर क्यों कुर्बान कर दिए हैं? बोलो यूसुफ, बोलो, जरा दो। जो तू चाहेगी वही होगा। अंदर आ सकती हूँ मिस सहबा? आइए, तशरीफ रखिए मैडम। ये मैडम कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब अपने उस जबान से पूछिए जो अस्पताल में रही तो मुझे बेटी कहकर पुकारती थी, और आज मिस सहबा कहकर अंदर आने की इजाजत मांग रही है। मिस सहबा का जवाब तो मैडम ही हो सकता है। उस वक्त वाकई में तुम्हें बेटी कहा करती थी, वो मेरे प्यार की बोली थी, और तुम मुझे माँ कहा करती थी, ये तुम्हारे खुलूस की जबान थी। मैं अपनी औकात भूलकर तुम्हारे पास आई हूँ, जिसका मुझे एहसास है खुदा के वास्ते चंद मिनट के लिए तुम भी अपनी फ्राइज भूल जाओ, सिर्फ दो औरतें रह जाए जो बड़े छोटे का इम्तियाज किए बगैर एक दूसरे का दुख बांट ले। दुख और सुख की तकसीम तो कुदरत ने अपने हाथों में रखी है, हम कुदरत के कामों में दखल देने वाले कौन हैं? इसके अलावा कोई खिदमत है तो बताएं। तुम नर्स की वर्दी से निकल आओ, मैं ममता का पर्दा उतार देती हूँ, शायद हम एक दूसरे के सीने के जख्म लगे हुए देख सकें। ये बढ़ती नहीं, मेरे जज्बात की मुर्दा जिस्म पर लिपटा हुआ मजबूरियों का एक कफन। भला कोई मुर्दा अपना कफन उतार सकता है? तुम मुर्दा नहीं जिंदा हो, और खुदा करे इतनी लंबी जिंदगी गुजारो कि एक जवान और जिद्दी बेटे की मजबूर मां बन जाओ। तुमने शादी करके सिर्फ एक बेटे को जन्म दिया है, और मैं सुहाग रात देखे बगैर 5 बच्चों की मां बन चुकी हूं। अब भी कुछ कहना चाहती हूँ? दलील से मैं तुम्हें कायल नहीं कर सकती, मिन्नत करके मनाना चाहती हूँ। मेरा एक ही बेटा है बेटी, मेरा भी एक ही फर्ज है, वो है मरीजों की खिदमत करना, बस यही समझाना चाहती हूँ। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो बेटी, एक दफा मेरे साथ मेरे घर चले चलो,
यूसुफ फिर झगड़ा करके आ गया है और उसके जख्म फट गए हैं। मेरा कलेजा भी फट जाएगा माँ अगर तुम मुझे घर चलने पर मजबूर करो। उसने पट्टी कराना है तो उसे यही भेज दो। वो कहता है मैं ठीक हो जाने वाला जख्म लेकर वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं कैसे चली जाऊँ? वो तो पहले ही गलत फहमी का शिकार है। तुम तो रहम दिल हो बेटी, कहीं ऐसा ना हो मुझे मायूस भेजकर तुम्हें पछताना पड़े। मैं पैदा होने से लेकर आज तक पछता रही हूँ और इतना पछता चुकी हूँ माँ कि अब खुद एक पछतावा बन गई हूँ और तुम मुझे मुझसे डरा रही हो। जाओ अपने बेटे के लिए दुआ मांगो माँ। बेटी खुदा के लिए जाओ माँ। सलीमा के यहां से आ रही हो? किसने कहा था कि उस नर्स के दरबार में फरियाद लेकर जाओ? एक दरवाजा जब बंद हो जाए तो उसे दोबारा खटखटाना भी बेइज्जती होती है माँ। और बहुत अफसोस है, चाहते हुए तुमने मुझसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। बात दरअसल यह है बेटा, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं। मुझसे भी तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती कि तुम दर बदर होकर मेरे लिए रहम जमा करती फिरो। क्या हो गया है मुझे? आप पांव टूट गए, अपाहिज हो गया हूँ मैं। कैसी बातें कर रहे हो? तो फिर तुम्हें क्या हक पहुँचता था कि उसे शिकायत करके ये एहसास दो कि उसकी बेरुखी से मेरी जिंदगी रोक बन गई? क्या कह रहे हो तुम? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। वो बिचारी तो मेरे साथ आने को तैयार थी लेकिन माँ, तुम्हारे चेहरे पर एक लकीर ममता की और दूसरी लकीर शर्मिंदगी की। इन दोनों लकीरों को मिलाकर मेरे सीने के उस पत्थर पर खेच दो जिस पर से सलीमा का नाम हमेशा के लिए मिट चुका। मेरा ख्याल है बेटे, जिस तरह से मैं झूठ बोल रही उसी तरह तुम भी झूठ बोल रहा है। मैं इसे सच साबित कर दूंगा माँ। सुबह से काम पर जाऊंगा मैं और कान खोल कर सुन लो माँ, मैं न किसी से प्यार करूंगा न नफरत, समझी? न किसी के फड्डे में टांग अड़ाऊंगा और न किसी से लड़ाई झगड़ा करूंगा। मैं न तुम्हें सताऊंगा माँ और न मुझे कोई सताए। दुनिया में तुम हो या मैं हूं, न तुम्हारा कोई है न मेरा कोई है, लेकिन लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं, किसी की परवाह न लेकिन शहावत दुनिया में कोई चीज नहीं। जिससे प्यार करो वही जख्म करते। अगर मेरी और तुम्हारी हस्पताल की वाकफियत न होती तो मैं तुम्हें ये मशवरा देता ही ना। खुदा की कसम, जितने दिनों में तुमने मेरे ऑपरेशन के जख्मों को ठीक किया था ना, उतने ही दिनों में मैं तुम्हें इस मुल्क की सबसे बड़ी रक्कासा बना सकता हूँ। ताक धनक धन, ताक धनक धन, ताक। शट अप। अरे तुम तो माइंड ही कर गई। अब देखो, जिस तरह तुम्हें रक्कासा का नाम नागवार गुजरा है ना, उसी तरह लोग नर्स के नाम को भी अच्छा नहीं समझते। इस वहम में मत रहना। और फिर मैं तो ये कहता हूँ कि जब औरत घर से निकल ही पड़ी तो उसको चाहिए कि कम आमदनी वाले पेशे को छोड़ के ज्यादा आमदनी वाले पेशे की तरफ आ जाए। आखिर इसमें हर्ज ही क्या? हम मरीजों के लिए चंदा जमा करने आए हैं, अपने लिए नौकरी की तलाश में नहीं आए। चंदा? चंदा? क्या बात है मास्टर? बॉस, इस नर्स ने अस्पताल में मेरी बहुत खिदमत की, इसे चंदा चाहिए। माशाल्लाह, जरा आंखें उठाकर तो देखिए, बताइए आपको क्या चाहिए जी? नहीं, वो बॉस का मतलब ये है कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 यानी कितने में आपका काम चल जाए। चलो मजबे चलिए। रुक जाइए, तशरीफ रखिए। ये शराब खाना है नर्स, यहाँ आने वाले दिल से खुदा का खौफ निकाल कर आते हैं, शिकार खेलते हैं।
लेकिन मैं तो इस क्लब का मालिक हूँ, भला आए हुए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ। जरा अपनी तरफ देखो और उन दो कमजोर नर्सों की तरफ देखो जो तुम्हारी आंखों में धूल डालकर चले गए, मरीजों के लिए चंदा जमा करने आए, इसीलिए तुम्हारे पत्थर दिलों में खुदा का खौफ पैदा हो। ओ तुम, अब कौन सा वाकया है जिसकी गैरत तुमने यहां खेल चलाई और वो कौन सी टांग है जो फड्डे में अड़ाना चाहते हो? मैनेजर, मैंने सारी दुनिया में तुम जैसा बेगैरत आदमी नहीं देखा। तुमने उन औरतों की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है जिनको सारी दुनिया इज्जत की निकासी देती है। तुमने उस पाकीजगी को दागदार करने की कोशिश की है जिस पर मैली निगाह डालना कत्ल से कम नहीं होता। तुमने नेकी का लहू उछाला है मैनेजर, तुमने इंसानियत की तौहीन। तुम नर्सों की वकालत करने आए हो या फरिश्तों? और जो इंसान की खिदमत करता है वो फरिश्तों से ज्यादा अजीम होता है। मैनेजर, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तकरीर करूं, लेकिन मैं उन औरतों की तौहीन का इंतकाम जरूर ले सकता हूं। ज्यादती नहीं, बहुत बड़ा जुल्म किया है। तुम्हारी आंखों से निकली हुई नफरत ने उससे दुनिया की तमाम मोहब्बतें थी, ये नफरत अब मोहब्बत में तब्दील हो चुकी है नन्ना। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, जिस शख्स ने मेरी इज्जत की खातिर मौत को दावत दी है, मैं अपनी जिंदगी उसके लिए वक्फ कर दूंगी। किसी माँ को इकलौता बेटा न दे, अगर देता है तो उसे बहादुर न बना, तो
उसे दर्द भरा दिल न दे, उसे इतना गैरतमंद न बना के वह लोगों के दुखों को अपना दुख समझकर अपने सीने पर सजा ले। अगर ये सब कुछ कर चुके हो तो फिर उसकी माँ को उसका दुख न दिखाना। दुख तो इस बात का है कि तुमने मेरी वजह से अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है। किस जिंदगी की बात करती हो मैं साहब, जिससे हर शख्स तंग भी है और छुटकारा भी नहीं चाहता, और अमीरों के इलाज का और गरीबों के शिकार का से आज तक कौन गरीब बच कर गया है? कोई दवाओं की कमी का शिकार हो जाता है और कोई आप लोगों की बेपरवाही का। सब कुछ आज ही कह देना है। कल किसने देखी है मेरे साहब? कल दिल छोटा न करो। दिल ये गुब्बारा तुम कब का फट चुका है? तुम तो बड़े बहादुर थे। बहादुर था, अब नहीं हूं मेरे साहब। और क्या बहादुरों के सीने में पत्थर होते हैं? मुझे माफ कर दो यूसुफ। यूसुफ नहीं मिस साहब, बेड नंबर के नाम से पुकारा इसलिए कि एक बार तुमने यूसुफ कहा था तो मैं गलत फहमी का शिकार हो गया। अब मुझे किस फहमी का शिकार करना चाहते? खुदा के लिए खामोश हो जाओ। तुम कहो तो मैं हमेशा के लिए खामोश हो जाता हूँ। मैं साफ बोलूंगा इसलिए नहीं कि किसी को बुरा न लग जाऊं, और देखूंगा इसलिए नहीं कि कोई मुझे अच्छा न लगे। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द से एहतियात हो जाओगे। खुदा के लिए मेरे साथ मेरे लिए बद्दुआ मत मांगो, इसलिए कि तुम एक नर्स हो, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी प्यार भरी गुफ्तगु, तुम्हारी मुस्कुराहट सिर्फ मरीजों के लिए, सिर्फ मंतों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उनकी दुआ का तुम पर कोई असर नहीं होता तो फिर एक दुखी माँ का शिकवा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए। माओ के पांव तले जन्नत देकर जमीन खींच लेने वाले खुदाया, हमने दुनिया भर के इंसानों को जन्म दिया, तुमने कहा कि मेरे बनाए हुए हैं, हमने कहा बेशक, हमने पैगंबरों को जन्म दिया, तुमने कहा ये मेरे भेजे हुए हैं, हमने फिर कहा बेशक, हमने तुझे देखे बगैर तेरी अजमत को माना, मगर तुम हमारी मुसीबतें देखते हुए भी आंखें बंद किए बैठे हो। याद रखो, अगर तुम्हारी लापरवाही का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो एक न एक दिन दुनिया भर की माएं इकट्ठी होकर तेरे निजामे कुदरत धर्म भंग कर देंगी, फिर तुझे अपने बंदों को अपनी दुनिया पे भेजने के लिए कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा, नया रास्ता निकालना पड़ेगा। मुझे माफ कर देना, मेरी जिद ने तुम्हारी जान ले ली है। मैं वादा करती हूँ माँ, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी, जरूर पूरी करूंगी। जमाने में मेरा पूछने वाला नादा है जो कहते हैं कि घर क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं।